चलो भैया, अवेटेड चैप्टर प्रतिशत। तो जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले चीज ये आती है कि क्या इस चैप्टर की महत्वपूर्णता सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यही वो चैप्टर है जो कि हर एक चैप्टर में आपको शामिल हुआ मिलेगा। तो विदाउट और टाइम को इधर उधर बातों में जाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, लेकिन इससे पहले कि क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का। आप सवाल को बहुत ध्यान से पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझ आएगी, ठीक है? बड़ी संख्या का 60% है, ठीक है? अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए, समझना। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे ही ये सवाल पढ़ा जाएगा, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जरूरी है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तरीका तो वो है जिसमें हम लोग एक्स वाई माने, बड़ी संख्या अलग माने, छोटी संख्या अलग माने, लेकिन फिर उसका मतलब ही क्या रह जाएगा कि अगर कॉन्सेप्ट भी सीखा और फिर उसके बाद भी एक्स वाई लगा रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी फिर आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। देखो 60% का मतलब क्या है, 60% का मतलब होता है कि अगर मैं इसको आपको ऐसे बताता हूं तो 60% का मतलब होता है 60/100, अर्थात आप ये कह सकते हो कि ये 3/5 लिखा है। यानी जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 3/5 है। अब सवाल ये उठा कि बड़ी संख्या किस रेशियो में होगी, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है प्रतिशत का एक रूल होता है कि अगर कोई भिन्न आपको दे रखी है, मान लीजिए एक्स अपॉन वाई, तो जो हर होता है यानी जो वाई है इस वाले उसमें, यही मूल संख्या होती है जिसके सापेक्ष में बातें बताई जाती हैं। ये क्या होती है, मूल संख्या, ठीक? और ऊपर क्या होता है, जो एक्स होता है ये क्या होता है, ये उसमें बढ़ने वाली चीज को दिखाता है, कम होने वाली चीज को दिखाता है, या फिर अंतर की बात जैसे इसमें कह रहा हूं उसको शो करता है। तो एक चीज तो समझ में आई कि अगर मैं बड़ी संख्या की बात करता हूं तो जो बड़ी संख्या होगी वो 5 के अनुपात में होगी, ठीक है? बड़ी संख्या किसके अनुपात में होगी भाई, 5 के अनुपात में होगी। और यहां पर आपसे बोला था कि उनका अंतर है, ये क्या है, उनका अंतर है। यानी कि अगर एक संख्या 5 है सपोज करिएगा, और छोटी संख्या का आपको ज्ञान नहीं है, मतलब वो अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उनके बीच का अंतर अगर 3 है तो छोटी संख्या क्या होगी। बोले सर छोटी संख्या इस स्थिति में तो जो है 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी छोटी संख्या, क्या हो जाएगी? बोले सर 2। बोले कैसे, बड़ी संख्या का अनुपात 5 है, इसमें अगर इनके अंतर को घटा देंगे तो हमारे पास छोटी संख्या का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ये छोटी संख्या नहीं प्राप्त हुई है, ये छोटी संख्या का अनुपात प्राप्त हुआ है, ठीक है? क्लियर? तो वो हमें मिल गई 2। अब सवाल के हिसाब से ये कह रहा था कि छोटी संख्या जो है वो 10 है। क्या कह रहा था, छोटी संख्या 10, इसका मतलब 2 का मान किसके बराबर है, 10 के। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, बोले सर 5 के। और अगर 1 का मान 5 के बराबर हो गया तो आप बताओ जो आपसे पूछ रहा था बड़ी संख्या वो क्या होगी। तो अगर 1 का मान 5 है तो 5 का मान क्या होगा, बोले सर 25। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 25। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? और बहुत पहला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन को भी नंबर सिस्टम से ज़्यादा प्यार देंगे, इसको उससे ज़्यादा पसंद करेंगे। बड़ी मेहनत लगती है क्वेश्चंस को निकालने में, फिर उसको एक अलग से टाइम लेकर रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने में बड़े सारे सोर्सेस लगते हैं। और अगर इस पर आपको फायदा ना हो तो फिर ये सब चीजें करने का कोई तात्पर्य नहीं रहता है ना। तो चलिए ठीक है, पहले के बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। देखिए क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे सवाल आपने देखे हैं कि बड़े सारे पूछे जाते हैं, मतलब फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है, कहता है 5/3 जो है वो 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, कितना अधिक नहीं पूछ रहा है।
अगर सिर्फ ये पूछता कि कितना अधिक है तो हम लोगों का जवाब सीधे अंतर होता, मतलब इन दोनों का अंतर। लेकिन पूछ दिया है कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे जरा गौर करिएगा। इसको हम लोग आर्टिफिशियल नंबर प्रोसेस से कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। बोले ये सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है समझना। पहले मैं लिख लेता हूं आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस, और यही सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से, ऐसी बहुत सारी चीजें, यही सारी नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारा बैच होगा उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस, जिससे गलती की जो गुंजाइश होती है वो ना के बराबर रह जाती है। बोले सर हमारे पास दो भिन्न थी, एक थी 5/3 और एक थी 3/5, है ना। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम ऐसी कोई संख्या मान ले जो कि 5/3 से भी कटे और 3/5 से भी कटे। तो ऐसी संख्या क्या मानी जा सकती है? बोले सर ऐसी संख्या तो वही हो सकती है जो कि इनके इन भिन्नों के हर का एलसीएम होगा, इन भिन्नों के हर का क्या हो, एलसीएम। और ये एलसीएम क्या हो गया? बोले सर 15 हो गया। मैंने कहा चलो ओके। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, ये जो भिन्न लिखी है ना, ये आपके पास एक नॉर्मल स्थिति वाली कंडीशन वाले संख्याएं आ जाएंगी। क्या करना है? बोले सर 5/3 को भी हम 15 से गुणा कर दें और 3/5 को भी सर हम 15 से गुणा कर दें। तो जब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25 और इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9। मतलब अब आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि 25 इस 9 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, सवाल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पता हो कि 25 9 से कितना ज्यादा है, ज्यादा तो है, कितना ज्यादा है ये बात भी हो। तो भैया ये पता चला कि ये 16 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 16, 25 9 से 16 ज्यादा है। अब बात ये आई किससे ज्यादा था, नीचे जो लिखा जाएगा प्रतिशत निकालने के लिए वो किससे। तो इसमें पूछा था ना कि किससे ज्यादा है, तो बोले सर 9 से ज्यादा है और इसी को हम लोग अगर प्रतिशत में बदल देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा 100 को 9 से काटेंगे तो 11 बार तो लगभग लगभग कटेगा, बल्कि 11 सही 1/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9। अब मैं अगर इसका गुणा कर दूं तो मैं कहां पे पहुंचूंगा, 16 × 11 166 तो सीधे हो जाएगा। तो लगभग देखा जाए तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, अगर इसका गुणा कर दें 16 का गुणा 11 से 1/9 में, तो हमारा उत्तर जो है वो लगभग लगभग 166.67 के करीब पहुंच जाएगा। ठीक, यही होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब इसमें एक ऐसा नंबर माना जाता है जो कि भिन्न को किस में बदल दे, एक कंप्लीट इंटीजर में बदल दे, एक पूर्णांक में बदल दे, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस। सर ये तो मैं ऐसे भी कर सकता था तो फिर इतना लिखने की क्या जरूरत है। ये वो तरीका है जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम में आते हैं या आप कभी उसको मॉक में देते हो तो गलती की गुंजाइश 0% हो जाती है, कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए पढ़िएगा, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। सेम क्वेश्चन लगभग लगभग आप मान के चलो कि मिलता जुलता बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। कह रहा है अगर त्रिशा एक संख्या n को, मान लो कोई संख्या थी n जो कि सवाल के अनुसार ये लिखी थी, इसको इससे गुणा करने की जगह इस भाग से गुणा कर दिया गया तो उसमें जो प्रतिशत की त्रुटि होगी कितने प्रतिशत की होगी, ये पूछा है। कितना ही सरल सवाल है, समझिएगा। देखो जैसे हम आपसे कहें कि n है और अगर n को हमें गुणा करना था 3×1/2, तो 3×1/2 को हम सीधे 3/2 भी तो लिख सकते थे। बोले हाँ सर लिख सकते थे। अलग करके लिखने का यहां पर टारगेट इनका सिर्फ इतना है ताकि बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में डाला जाए, लेकिन बच्चा समझदार है, इनको यह बताना पड़ेगा। लेकिन भैया गलती क्या हो गई, उसने n को 2/3 से गुणा कर दिया, यही गलती हुई। तो अभी मैंने आपको कौन सा मेथड बताया था? बोले सर आर्टिफिशियल नंबर मेथड बताया था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस बताया था। तो यही काम इसमें भी करना है कि एक नंबर कोई ऐसा मान लो। तो मैंने कहा सर नंबर मानने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेना होगा, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं। एलसीएम क्या आ गया? बोले सर एलसीएम 6 आ गया।
अब अगर उसी 6 का इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये n को आप 6 मान लो, ठीक है, ये जो एलसीएम आया इसको आप 6 मान लो, तो अगर मैं n की जगह 6 लिखूंगा तो ये संख्या 9 बनेगी, और अगर मैं यहां n की जगह 6 लिखता हूं तो संख्या 4 बनेगी। यानी उत्तर आना 9 चाहिए था, आ 4 गया, तो गलती का प्रतिशत कितना हुआ? सबसे पहले अगर आपको 9 रुपए मिलने चाहिए थे, आपको 4 रुपए मिले, तो कुछ तो कम मिला ना। बोले सर कितना कम मिला? बोले सर 5 कम मिला है। मैंने कहा ओके, कितने में? बोले सर 9 में कम मिला है। 5 कम मिले 9 में, तो अब गणना कैसे की जाए? बोले सर प्रतिशत में ही तो बदलना था। मैंने कहा हाँ बदल दो। और सभी लोग बच्चा जानते हो, अगर ये 100 मैं ना भी लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, 5 × 1/9 लिख सकता था ना, 5/9 को, और 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9 है ना, होता है कि नहीं? और अगर उसमें 5 से गुणा करोगे तो हम लोग किसके करीब आ जाएंगे? बोले सर ऑप्शन नंबर डी के करीब आ जाएंगे। और या तो फिर इसको यहीं से पूरा सॉल्व कर लो तो भी कितना आ जाएगा? 55.55%। तो जो त्रुटि हुई है वो कितने परसेंट की हुई? बोले सर 55.55% की त्रुटि हो गई। यही क्या होता है, फिर से बोल देता हूं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस, ASP, इसी को कहते हैं ASP, ठीक है। गलती नहीं हो सकती कभी भी, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट आइए, अब कुछ सवाल उस पर आते हैं जिस पर नंबर पे कि इतने परसेंट चाहिए थे, इतने परसेंट आए तो क्या किया जाए, है ना। तो चलिए इस सवाल को पढ़िए आप और बताने की कोशिश करने, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे हो सकता है। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्हता मतलब उसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, उसमें पास होने के लिए, अर्हता मतलब वही होता है, ठीक है, समझ गए ना। कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? 72%, ठीक है, मतलब अगर 72% नंबर नहीं आते हैं तो आप उस परीक्षा में क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे, ठीक। अगर 72 आ जाते हैं तो मान लिए जाओगे, हालांकि बहुत होता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? बोले सर 650 है, तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ कितना है, मतलब आप कितने नंबर आए जब आप ये कह सकते हो कि बच्चा पास हो चुका है। तो भैया सुनो, हमें करना क्या है, सीधी सी बात है, हालांकि आप पेन चला भी सकते हो, नहीं भी चला सकते हो, वट एवर, 650 नंबर का पेपर था, इसमें आपको चाहिए थे नंबर 72%, तो आप सीधे क्या लिखोगे, 650 का 72% अगर निकल आए तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा, ये निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्या यहां पे सोच क्या क्या सकते हो, मैं आपको वो बता रहा हूं। देखो, अगर 650 का आप 72% निकालोगे तो आपको ये दिख रहा है, जो 72 है ना, इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, और 9 एक ऐसा अंक होता है जिसमें आप चाहे जितनी बड़ी संख्या से गुणा कर दो, गुणनफल के बाद उसके अंकों का योग भी 9 आएगा, या 9 से कटने वाली संख्या आएगी, राइट। बोले हाँ सर। अब सुनिएगा, अगर इसको हम निकालते हैं, डीएस आपने पढ़ा है, डीएस? बोले सर डीएस, हाँ, डिजिट सम, देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। डिजिट सम देखिए, कुछ बच्चे होंगे कि कैलकुलेशन कर लेंगे, डिजिट सम मतलब होता है दिए हुए संख्या के अंकों को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 6 और 5 11 11 का मतलब 1 1 2, तो ये 2 हो गया, फिर गुणे का साइन था लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? बोले सर 9 हो गया, 9 × 2 = 18, मतलब इसके भी अंकों का योग 9 है। अब वो ऑप्शन देखिए जिसमें अंकों का योग 9 आ रहा है, तो आप कहोगे सर सारे ऑप्शन के अंकों का योग 9 या 9 से कटने वाली संख्या आ रही है। 4 × 3 = 7 = 2 9, ये भी 9 है, 8 × 6 = 14 4 = 18, ये भी 9 से कटे आएगा, बल्कि आपको 9 ही चाहिए था, ठीक है। और एक चीज और भी याद रखनी होती, बोले सर क्या, 8 × 6 = 14 4 = 18, ये भी 9 आ रहा है, ठीक। तो लगभग आपको सब ये पता चल रहा है कि सारे के सारे अंकों का योग या तो 9 आ रहा है या तो 9 से कटने वाली संख्या आ रही। तो ऐसी स्थिति जब आएगी तो आपके लिए डिजिट सम के साथ साथ कुछ और जानना भी जरूरी होगा। अब मुझे क्या है कि मुझे सीधे सीधे इसका कितने परसेंट निकालना? बोले सर सीधे सीधे इसका हमें निकालना 72%। देखो कैसे निकालेंगे, ये भी समझो, इसके लिए भी तरीके होते हैं, समझो। 650
अगर मैं पूछूं इसका 10% क्या होगा, सिर्फ इतना पूछूं कि इसका 10, ये मेंटल कैलकुलेशन की बात मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि आप चीजों को मेंटल कैसे कैलकुलेट करोगे, दिमाग में कैसे कैलकुलेट करोगे। मेंटल कैलकुलेशन के कुछ तरीके भी मैं आपको बताता चलूंगा जिसमें आपको पेन वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने कहा भैया सीधे मुझे बताओ 650 का 10% क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर 65 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर हो जाएगा, ठीक, बोले हाँ। अच्छा हमको कितना चाहिए था, बोले सर 72%। 72 कैसे पहुंचेंगे, बोले सर 70+2, 10% का मान ये है, अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूं तो ये 70% बन जाएगा, बोले सर बनेगा, पक्का बनेगा, वेरी गुड ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बचा 2% और निकालने के लिए। 650 का 1% कितना होता, बोले सर 650 का 1% 6.5, 2%, बोले सर 2 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मजेदार यहां पे मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, मजा ना आ जाए पैसा वापस पूरा। मैं पूछूं इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इस वाले का जब हम इस दोनों को जोड़कर हमें गुणा करके जोड़ना है, राइट ना, तभी 70+2 72 बनेगा। मैं पूछ रहा हूं इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, बच्चे ने जवाब दिया सर जी इसके इकाई का अंक 5 आएगा। मैंने पूछा इसका इकाई का अंक क्या आएगा, बोले सर इसका इकाई का अंक 3 आएगा। तो जो भी उत्तर बनेंगे उसमें इकाई में क्या मिलेगा, बोले सर 8 मिलेगा, यानी एक ही ऑप्शन आंसर था 468। अब बोले सर इतना सब बताने की क्या जरूरत थी, सीधे हम ये भी तो निकाल सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताता चलूंगा जो आपको मेंटल कैलकुलेशन में मदद करेंगी, और ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मदद करने वाली चीज है। अगर आपको अभी ये लगता है कि ये सब चीजें बेकार की हैं तो विश्वास मानिए मेरी बात का, कैलकुलेशन कभी अच्छी नहीं होगी, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी और इसमें समय देना पड़ता है, ठीक है दोस्त। चलो चलिए देखिए क्या बढ़िया प्रश्न आया, पढ़ लीजिए। कहता है जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामता वही संख्या निकलती है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है संख्या क्या होगी, बड़ा सरल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आंसर बी आ जाएगा, बोले सर ऐसे, बोले हाँ ऐसे कैसे। अब देखो क्या है ना कि इसके तरीके मैं आपको दिखाता हूं जो आपसे फैमिलियर है और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, दो तरीके मैं आपको सिखाता हूं, देखना ध्यान से। एक वो तरीका जो कि मेंटल अप्रोच को और अच्छा करेगा, मेंटल अप्रोच समझ रहे हो ना, मानसिक पहुंचने की क्षमता कि सवाल क्या कह रहा है उसको, और एक जो आपने सीख रखा है बहुत पहले से, जो सीख रखा है वो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि देखिए 75 हमारे पास दिया था, 75 हमारे पास दिया था, और अगर 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाए तो मैंने वो संख्या मान ली ए, ए का अगर इसी में मैं 75% जोड़ देता हूं तो हमें वही संख्या मिलती है, वही संख्या मिलने का मतलब बोले भैया ए मिलता है, बोले ए मिलता है। अब क्या होगा जब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे फिर ए का मान निकालोगे वही आंसर होगा, राइट ना, यही तो होगा। अब इस सवाल की मेंटल अप्रोच देखिए, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मजा आए तो एक बार सब लोग कमेंट जरूर कर देना कि सर बहुत अच्छा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखना 75 अपने पास पहले से ही था, ठीक, किसी भी संख्या का 75%, नहीं पता दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, क्या ही पता, उस संख्या का 75% उतना ही होगा जितना उसका 75% निकाल कर आप देखोगे, होगा कि नहीं, बोले हां सर। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूं, कहता है जब इसमें जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगी जिस संख्या का 75% हमने निकाला था, वो पूरी पूरी संख्या मिल जाएगी, और जब संख्या पूरी पूरी मिलती है तो इसका मतलब वो अपने आप में 100% मिलती है। तो यहां पर जो उस संख्या का 75% आपने निकाला और इसमें जोड़ा तो बराबर में आपको उसी संख्या का 100% प्राप्त हुआ, यानी पूरी संख्या प्राप्त हुई। तो इस 75% को अगर मैं इसमें आके माइनस कर दूंगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, बोले सर 25% बचेगा, और यही 25% तो 75 है, बताइए तो संख्या क्या होगी, बोले सर अगर 25% 75 है तो 100 बनाने के लिए 4 का गुणा, और यहां भी 100 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो जवाब क्या मिल गया, बोले सर 300।
यही तो सवाल था, क्यों करें हम इतना। अगर आपकी ये मेंटल अप्रोच अच्छी है ना मेरे दोस्त, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका ये मेंटल अप्रोच अच्छी है ना, तो विश्वास मानिए जितना समय मुझे इसको बताने में लगा है, इस मेंटल अप्रोच को भी आपको बताने में लगा है, आप विश्वास करिए उसके 1/10 भाग में आप इस सवाल को खत्म कर देते, आंसर बता देते और आगे बढ़ चुके होते। सही कह रहे हैं, ईमानदारी से सब लोग कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत उम्दा सवाल है। मतलब अगर विश्वास मानो कि अगर इस पूरे सेशन को आप देख के जाते हो, तो पेपर में जब बैठोगे तो मुझे याद करोगे इस बात के लिए कि यार सर ने अच्छा आखिरी में पढ़ा दिया, मजा आ गई, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो बाहर हो रही है, ठीक है। पढ़िए, किसी कामगार के जून के वेतन, कौन से वेतन, जून, ये जून वो वाला नहीं कि 2 जून की रोटी वाला जून है, JUN महीना, जून का वेतन के प्रति जुलाई का वेतन इस रेशियो में, मतलब जून के वेतन और जुलाई के वेतन का अनुपात दे रखा है, कह रहा है जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, कम था, ये काम नहीं था, ये कम था, ठीक है। जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, बड़ा सरल प्रश्न है, लेकिन इसी सरल प्रश्न ने अच्छे अच्छों को हिला के रख दिया, ऑप्शन देख के जवाब देना। बोले अच्छा सर, मैंने कहा अब समझना फर्क क्या है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ ध्यान से समझना, ठीक है, क्या फर्क है स्मार्ट अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है। ये पहले मैं बताने जा रहा हूं, कोशिश करना समझने की, ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे अनुपात क्या दिए थे, 2:1 और 2:1, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाने की हर संभव कोशिश करूंगा, ठीक है। 2×4 और 1:5, यानी जून का वेतन अगर देखा जाए तो 5.2 और 4×8 9/4 और जुलाई का वेतन 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ये 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, त्रिक गुणा जैसे हमने किया तो ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, यानी जून का वेतन 20, जुलाई का वेतन 18, तो कम तो है जुलाई का वेतन। बोले सर कितना कम है, बोले 2 कम है, 2 कम है किससे, 20 से कम है, तो कितने परसेंट कम है ये निकालना कोई कठिन काम नहीं था, 10% आपका उत्तर आ गया। लेकिन लेकिन क्या इसको ही करना जरूरी था, क्या ये करना जरूरी था? बोले सर ये करना जरूरी था या नहीं, ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने कहा इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। समझना, आपको जून के वेतन और जुलाई के वेतन में कुछ कॉमन हिस्सा दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन हो, जून और जुलाई दोनों में कॉमन हो। बोले हाँ सर, हमने कहा क्या कॉमन है, बोले सर 2 कॉमन है। यानी अब जो फर्क पड़ रहा है वो किससे पड़ रहा है, बोले सर 1/2 और 1/4 से, किससे पड़ रहा है, 1/2 और 1/4 से। लेकिन अब यहां पर जो बच्चा ये समझ गया ना कि 1/2 और 1/4 से फर्क तो पड़ रहा है, आंसर तो उसका चंद सेकंड्स में आ जाएगा, 2 सेकंड में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उसके साथ ये भी समझना होगा, ये स्मार्ट अप्रोच है लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है, उसके साथ ये भी समझना होगा मेरे भैया, स्मार्ट अप्रोच, और गलती कहां होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये 1/2 और ये 1/4 ये अकेले नहीं है, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2+1/2 और इसको मैं लिख सकता हूं 2+1/4, ये अकेले नहीं है। बोले सर फिर अगर ध्यान से देखो तो ये 1/2 है, ये 1/4 है, अगर इसी को मैं लेकर चलूं तो क्या मिलना है हमको। बोले सर क्या मिलना है, मैंने कहा क्या मिलना है, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये हिस्सा तो 2 तो कॉमन हो गया, 1/2 और 1/4 ही तो है, तो अंतर कितना पड़ा इन दोनों का, अगर मैं अंतर पूछूं तो इन दोनों का अंतर कितना पड़ा है। बोले सर इन दोनों का अंतर, मैंने कहा इन दोनों का अंतर बताइए जल्दी से, इन दोनों का अंतर कितना पड़ा, सिर्फ सिंपल सी बात है, 1/2 और 1/4 का अंतर कितना है। बोले सर 1/2 और 1/4 का अंतर, इतना कठिन सवाल कैसे बता पाएंगे हम। अच्छा, इसको मैं दूसरे शब्दों में अगर ऐसे बोलूं
कि एक बटे दो और एक बटे चार अगर लिखे हैं तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो इसको और अच्छा कर देते हैं, सरल करते हैं। एक बटे दो का मतलब 58 है और एक बटे चार का मतलब 54 है। अब बताइए क्या करना है, बराबर करना है तो, बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा। बताओ, 58 54, ये 50 पैसे लिखे हैं, ये 25 पैसे लिखे हैं, बात वही है ना। अब अगर बराबर करें तो क्या करें, कमेंट करो सब लोग, सब लोग कमेंट करना, ठीक है। बहुत छोटी सी बात पूछी है, चलो खैर। यहां पर पॉज इसलिए लिया कि आप लोग इसको कर सको, ठीक है, और कोई मेरा वो उद्देश्य नहीं था। तो अगर मैं अंतर की बात करता हूं मेरे दोस्त कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोले सर इन दोनों का जो अंतर है वो तो 1/4 ही है। ए बी करके दिखा देते हैं ताकि पूरी बात समझ सको। 4 LCM आ जाएगा, देखो यहां से 2 × 2 = 4, यहां पर 4 × 1 = 4 और ये हो जाएगा 1/4। तो अंतर कितना पड़ा, बोले सर 1/4 का ही पड़ा अंतर। मैंने कहा चलो, ये स्मार्ट अप्रोच इसलिए मैं टाइम लेकर बता रहा हूं ताकि आपको आगे आने वाले सवालों में इस पे पेन चलाने का जरूरत ना पड़े। तो ये दो तो बराबर दिख गया, इन दोनों का अंतर आपको दिखा 1/4, जिसको आप 0.25 लिख सकते हो, कोई तकलीफ? बोले नहीं सर। अच्छा, ये जो अंतर पड़ा, ये पड़ा किस पे? अब गलती कहां होगी ध्यान से सुनना, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आएगा सर 0.25 का अंतर 1/2 पे पड़ेगा। ना, ये अंतर 2.5 पे पड़ेगा, क्योंकि 1/2 हिस्सा था, जुड़ा था किसके साथ, 2 के साथ। यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो ये अंतर किसके साथ पड़ेगा, 2.5 के साथ। और भैया इसका ही तो 10% ये होता है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे कि 10% उत्तर आ जाता। देखो कुछ चीज जब स्मार्ट बनती है तो उसको समझने में समय लगता है। जैसे पहले टीवी आती थी डब्बे वाली, पीछे कूबड़ निकला था, कलर टेलीविजन भी पीछे चौड़े में आता था। अब क्या हो गया, ओलेड आ गई, कर्व टीवी आ गई, कितनी पतली स्लिम। 1900 आप ऐसे समझ लो 1995 या 1997 में, मैं कितने साल का था, 3 या 4 साल का रहा हूंगा, 4 साल का था, ठीक नहीं 5 साल का था, हाँ 1997 में मेरे यहाँ कलर टेलीविजन था, इतना बड़ा वाला वो टेलीविजन, मतलब उतना कूपड़ था। अब अभी मैं दीपावली से पहले सैमसंग की टीवी लेके लाया हूँ, इतनी स्लिम टीवी 55 इंच। समय देखिए, स्मार्ट बनने में समय लगता है, यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर एक बार बन गए स्मार्ट तो आपको फिर स्मार्ट हर व्यक्ति कहेगा, इसमें समय लगेगा। और कुछ बच्चों को हो सकता है कि मेरी बातें ऐसे लगी कि यार टाइम पास, तो जिसको अगर ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बख्श देना। अगला सवाल, ठीक है। एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, वाह भाई वाह। दो संख्याओं का अंतर जो है, और इन दो संख्याओं का अंतर भी दिया है 7, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, पढ़िए तो दोस्त। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, किसी एक संख्या का 50% अन्य संख्या का 1/3 है। इसमें वो नहीं है, इसको मत समझो कि बहुत कठिन सवाल दे दिया है। अगर आप ध्यान से समझो स्मार्ट अप्रोच, मैं फिर बताता हूं इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या होगी, ये समझने की बात है। देखना जरा, स्मार्ट अप्रोच या शॉर्ट ट्रिक जो भी आप कह सकते हो, मैं शॉर्ट ट्रिक की जगह इसको कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा। देखिए, अब अगर मैं बोलूं किसी संख्या का 50%, तो इसका मतलब क्या होगा, 50% का मतलब उस संख्या का आधा भाग, राइट ना। तो किसी संख्या का 50% मतलब उसका आधा भाग, राइट। अन्य संख्या का 1/3 है, मतलब किसी दूसरी संख्या का 1/3 है, 1/3 है, इतनी सी बात थी। तो अगर मैं दोनों संख्याओं का अनुपात देखने बैठ गया तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3। बोलिए ठीक है, बोलिए ठीक है, बोले हाँ सर। अब उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद बोल रहा था, हालांकि आंसर यहीं से निकलेगा। बोले सर कैसे निकलेगा, हमने कहा गौर से देखना तभी पता चलेगा। बोले सर आंसर जो निकलेगा 7 × 4 = 28, ये डी निकलेगा। बोले सर कैसे निकलेगा, हमने कहा देखो बताता हूं। देखो कह रहा, दोनों संख्याओं का जो अंतर था वो 7 था, 7।
तो मैंने यहां देखा कि इन दोनों इसका अंतर कितना है, बोले सर वन है, और यही अंतर तो यहां जो वन है ना वो सात के बराबर है, बोले हां सर। अब इसका मतलब पूछा अगर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल कुछ भी हो कुछ भी वो कटेगा तो सात से, तो सात से कटने का मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया सीधे सीधे। अब 35 क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि 35 बड़ी छोटी वैल्यू है, ये आंसर होने की गुंजाइश नहीं थी, बोले सर अच्छा। हमने कहा हाँ कैसे, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर तीन दूनी छः गुणा छः हो गया और छः में सात का गुणा कर देंगे 42 आंसर आना चाहिए। ये अनुपात थे, क्या थे अनुपात, तो अगर अनुपात थे तो इसका मतलब ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा और ये एक्स की वैल्यू है सात, तो ये 14 होगी और ये संख्या कितनी होगी 21। अगर एक का मान सात आया है, एक का मान कितना आया सात, तो दो का मान क्या होगा 14 और तीन का मान क्या होगा, बोले सर 21। यही गलतियां होती हैं अक्सर। अब इनका चाहिए आपको गुणनफल, तो 14 × 21 करना है आपको, और 14 × 21 क्या हो जाएगा 294, बोलिए ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले ही 5 सेकंड में बता दी थी, इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑलवेज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जितना काम आप कॉन्सेप्ट्स पे करेंगे शॉर्ट ट्रिक उतनी जल्दी बनेंगी। और हालांकि मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं इस शॉर्ट ट्रिक जैसी चीज पर विश्वास नहीं करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट आइए देखिए, पढ़िए सॉरी, एक इमारत में केवल 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स हैं। जोंको मिलाकर, जोंको नहीं होगा ये जोंक जोंका, शक्तिमान याद है उसमें एक आता था जोंक जोंका, तो ये जोंक जोंका नहीं है, ये जिनको मिलाकर होना चाहिए, क्या जिनको मिलाकर 180 फ्लैट है, 160 फ्लैट है। अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK है तो 2 BHK फ्लैट की संख्या का पता करें, मैं ऐसे आंसर लगाऊंगा, बोले सर सी इतनी जल्दी। हमने कहा हाँ, पूछी क्यों, पूछो क्यों पहले। मैंने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि जो विभाजकता के नियम होते हैं, डिविजिबिलिटी लॉज जो होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गौर से करना। देखो मैं सीधे से सिंपल से जानता हूं कि अगर 45% फ्लैट जो है वो 3 BHK हो गए, कौन से हो गए 3 BHK, बेडरूम हॉल किचन, तो बचे हुए 55% जो होंगे वही 2 BHK होंगे, बोले हाँ सर 2 BHK होंगे या नहीं होंगे, बचे हुए 55% ही 2 BHK होंगे। अब अगर 55% 2 BHK है तो सिंपल सी बात है कि ये 55 जो है ना 11 का गुणज होता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का गुणज ही होगा। और ऑप्शंस में 11 का गुणज कितने ऑप्शन थे, बोले सर एक, मैंने कहा वही आंसर, समझ पाए। और अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लो कि 160 का 55% आया 11 का गुणज होगा कि नहीं, और 11 × 8 = 88, इसलिए डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेंगे ये आपको सीखना होगा मेरी क्लास में, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं सिखाता चलूं, ठीक है, मजा आई सवाल में पढ़ के। हमें लगता है जितनी देर पढ़ने में लगेगी उससे 10वें या 15वें हिस्से में मैं आपको सवाल करना सिखा दूंगा, अगर आप पूरे क्लास को देखते हो अच्छे ढंग से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए, बहुत सुंदर सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का जो योग है वो 360 है। यदि इन दो संख्या के योग का, किसका योग का, ये ध्यान से समझना, योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इस बात को लेकर मैं आपको आगे चीजें बताने वाला हूं, गौर से समझिएगा। पहला तरीका, जो सवाल को पढ़ने के बाद हर बच्चा करने की कोशिश करेगा, फिर मैं वो तरीका बताऊंगा जो मैं सोचता,
जिस तरीके से, और मैं आपको वही सिखाना चाहता हूं, देखना कैसे। पहले वो तरीका जो सारे बच्चे करेंगे कि एक संख्या का 70% दूसरी संख्या का 30%, दूसरी संख्या का 30%, इनका योग 360। अब यहां पर बनेगी क्या, एक समीकरण। फिर कह रहा है यदि इन दोनों संख्याओं के योग का 20%, तो संख्याओं के योग का 20% ये बराबर 160 के, एक ये बनेगा। तो दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा क्या, यानी जब b, इन दोनों से आप जब b निकाल लोगे, फिर उस b का 2/5 हिस्सा आपको निकालना है। ये तरीका है एक, ऐसे इक्वेशंस बनेंगी, फिर आप सॉल्व करोगे क्या मतलब है। अब देखो, जो जैसे मैं सोचता हूं वैसे आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं कैसे सोचूंगा, स्मार्ट अप्रोच। मैं सवाल को पहली लाइन से नहीं उठाऊंगा, मैं सवाल को उठाता हूं इस लाइन से जिसमें यह कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के योग का 20% जो है वो 60 है, इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। मैं यहां से सवाल उठाता हूं, तो भैया 20% अगर 160 है तो दोनों संख्याओं का योग जो होगा इसका 5 गुना करेंगे, यानी 160 का 5 गुना 16 पंचे 80, मुझे यह पता चल गया कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा 800 होगा। यह बात कंफर्म हो गई, बोलो, इतनी बात तो कंफर्म हो गई यहां तक। अब कह रहा था, ध्यान से सुनना, दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा क्या होगा, यानी बी का 2/5 हिस्सा चाहिए, समझो। और ये जो ऑप्शंस है ना, ये दूसरी संख्या के 2/5 हिस्से के लिए दिए, तो मैं अगर ये बोलूं कि दूसरी संख्या यानी बी का 2/5 हिस्सा जो है, अगर वो 500 होता, कितना होता, 500, बहुत ध्यान से देखना, हालांकि इसका आंसर 200 आ जाएगा, समझो। अगर दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा 500 होता तो बी कितना आता, बोले सर 250, 250 गुणे 5, 25 पंचे 125, यानी 1250, और दोनों संख्याओं का कुल योग ही 800 है, तो दूसरी संख्या 1250 हो सकती थी क्या, बोले सर नहीं हो सकती, यानी पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। दूसरे पर आओ, 300 दिया था, मैं आपको पूरा करके बता देता हूं, देखो तरीका, देखो समझो, 150, 15, 75, अगर 2750 तो ए कितना बचा, बोले सर ए 50 बचा, फिर ए का 70%, यानी कि 50 का 70% 35, ये सारी मेंटल कैलकुलेशन है, और 750 का 30%, क्या 360 के बराबर होता, बोले सर कतई नहीं होता, तो मैंने कहा खत्म हो गया। तीसरा है 400, समझो इससे काटोगे क्या हो जाएगा, 200, 200 पंचे 1000, 1000 दोनों संख्याओं का योग ही 800 है, 20 संख्या 1000 कैसे हो सकती, ये खत्म हो गया। अब देखो सवाल का उत्तर तुम्हारे पास आ गया कि 20 संख्या का 2/5 क्या होगा, 200 होगा, यही इस सवाल का सही जवाब हो गया। कितना करना पड़ा तुमको, क्या कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्या कैलकुलेशन कठिन लगी उसकी, क्या लगा, इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, सोचने का तरीका आपका, कि सवाल आप कहां से उठाते हो। आपको एक बात बताता हूं, पूछो क्या, पहले पूछो क्या फिर बताएंगे। आप एक YouTube चैनल है उसको सर्च करना, पहचान म्यूजिक के नाम से, पहचान म्यूजिक में जितने भी सिंगर हैं वो किसी भी गाने को मुखड़े से नहीं गाते हैं, अंतरे से गाते हैं, अंतरा मतलब बीच का हिस्सा, मुखड़ा मतलब किसी भी गाने का शुरुआत का हिस्सा, ठीक है। तो जब गाने को मुखड़े से उठाते हैं तो गाना सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। तो हर बार ये जरूरी नहीं कि आप सवाल को मुखड़े से ही पढ़ें, कभी अगर जरूरत पड़े तो अंतरे से उठाइए और सवाल जल्दी करिए, तब आपको भी अंदर एक मजा आएगी, अपने अंदर दिल से कह रहे वाह यार क्या बात है, मैं भी सिंगर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, देखिए अगला सवाल। सॉरी, एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से ट्रस्ट के लिए दिए, ट्रस्ट के लिए कैसे दिए, निम्नलिखित तरीके से कि 15% ट्रस्ट को और शेष राशि को इस तरह से विभाजित किया जाना है
कि उसकी पत्नी, दो बेटियां जो कि समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं, और तीन बेटे में से प्रत्येक को हर बेटी का डेढ़ गुना मिले, ठीक है। उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से दो गुना मिलता है, ठीक है। तो उसकी पत्नी का हिस्सा कितना है, ये लाख रुपए में बताना है, ठीक है। पहले समझना सवाल को, अच्छा सवाल है। फिर देखो एक लाइन में होगा सवाल, कोशिश करते हैं, ठीक है, समझना। कि भैया अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 100% टोटल धन संपत्ति है, इसमें 25 लाख दिए, मैं 100% आपको मान के बताता हूं, ठीक है। इसमें से अगर आप 15% ट्रस्ट के नाम पर दे देते हैं, तो ये धनराशि जो आपने ट्रस्ट को दे दी, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बचा 85% जो कि आपके परिवार में बांटा जाना है, राइट। अब परिवार में किसको किसको बांटना है समझिएगा। उसकी पत्नी, दो बेटियां, एक पहला हिस्सा गया पत्नी के नाम का, ठीक है, पत्नी के नाम यानी वाइफ के नाम। फिर उसके बाद उसके दो बेटियां थी, दो बेटियां हो गई D1 और D2, डॉटर 1 और डॉटर 2, ठीक। फिर उसके बाद तीन बेटे भी इसमें हिस्सेदार हैं, तीन बेटे S1, S2, S3, Son 1, Son 2, Son 3, ठीक है, इस तरीके से। अब पढ़ना है, कह रहा है उसकी पत्नी, दो बेटियां जो कि समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं। अगर बेटियों को समान हिस्सेदारी मिली तो मैंने कह दिया इसको एक हिस्सा मिला, इसको एक हिस्सा मिला, बोलिए ठीक है, बराबर हिस्सेदारी बेटियों को मिल गई। प्रत्येक बेटे को हर बेटी का डेढ़ गुना मिलता है, तो हर बेटे को कितना मिलेगा, 1.5, इसको भी 1.5 और इसको भी 1.5 गुना, क्यों, क्योंकि इसका डेढ़ गुना है, ठीक है। और पत्नी को उसकी प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से दो गुना मिलता है, प्रत्येक बेटी को एक हिस्सा मिल रहा है, तो पत्नी को कितना हिस्सा मिलेगा, बोले सर दो हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, बोले हाँ सर। अब समझना, यहां तक अगर बात समझ आ गई तो अब देखो सवाल एक लाइन में होगा, और यहां पर यह बात डिपेंड करेगी कि आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, समझना, ठीक है। टोटल धनराशि उसके पास 25 लाख रुपए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 25 लाख रुपए, जिसका 85% यानी कि 85/100 हिस्सा वो अपने परिवार में बांट रहा है। अच्छा, जब परिवार में बांटा तो किस हिसाब से बांट दिया, बोले सर परिवार में इस हिसाब से बांट दिया, यानी जो परिवार में एक पत्नी, दो बेटियां, तीन बेटों के हिस्से हैं, उनका अगर कुल मिलाकर योग किया जाए तो ये उसका जो 85% है वो कितने भाग में बट रहा है, 2, 3, 4, 4, 3, 7 और 1.5, यानी कि टोटल हिस्सा 8.5 का। अब इसमें हिस्सा निकालना था किसका, पत्नी का, और पत्नी का हिस्सा किस अनुपात में, बोले सर 2, तो मैंने कहा यहां पर 2 से गुणा, और देखो सवाल कैसे खत्म होगा, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लीजिए, इस 85 से इस 85 को 10 बार में काट दिया गया, इस 0 से इस 0 को भी काट दिया गया, ठीक। 25 लाख में अगर एक 0 मैं काट दूंगा तो 2.5 लाख बचेगा, और 2.5 लाख का 2 गुना कितना होगा, 5 लाख। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, बोले सर 5 लाख रुपए उसकी पत्नी को मिलेगा, यही इस सवाल का उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेना, बड़ा प्यारा सवाल है, और मुझे लगता है कि मैंने इसको सबसे सरल तरीके से आज आपको बता दिया है, बोलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। केवल समझने वाली बात यहां पर यह हिस्सा था, अगर आप ये हिस्सा एक बार अच्छे से समझ गए तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर लोगे, ठीक है। इसमें मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, इसको केवल आप समझो, ठीक है, बस। नेक्स्ट चलिए अगला सवाल। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ थोड़ा सा रुझान कर लेते हैं और इस सवाल को देखते हैं। देखो बहुत प्यारे प्यारे से सवाल हैं, जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा वो पेपर ओरिएंटेड होंगे और बहुत प्यारे होंगे, मतलब एक अलग ही अंदाज होगा उन सभी का, ठीक है। पढ़े, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है अगर मौसम तूफानी हो जाता है, आज कुछ तूफानी करते हैं, वही वाला मौसम अगर हो जाए
अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो क्या हो जाता है, जरा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। कहने का मतलब है इस सवाल का कि जिस एक्यूरेसी के साथ वो पहले निशाना साधता था, जिस भी एक्यूरेसी के साथ मौसम खराब हुआ, तो उसकी जो सटीकता थी, जो एक्यूरेसी थी निशाने पर, वो 20% कम हो गई। ठीक। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य भेज सकता है, यानी खराब मौसम में भी अगर उसने 350 बार गोलियां चलाई दर 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 दर, और उसमें 196 गोलियां सही निशाने पर लग गई। ठीक। तो अब आपसे ये पूछ रहा है आगे, तो सामान्य परिस्थितियों में वो 250 शॉट में से कितने लक्ष्य को भेदेगा जब मौसम बिल्कुल साफ होता है, सामान्य होता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं बात करूं तूफानी मौसम और सामान्य मौसम की, तो देखिए आप ध्यान से, मैं एक तरफ लिख देता हूं मौसम का तूफान में होना, यानी कि तूफानी मौसम में जब चीजें हो रही थी, और एक तरफ मैं लिख देता हूं सामान्य मौसम में जब चीजें होंगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। सामान्य मौसम से तूफानी मौसम में एक्यूरेसी 20% कम हुई थी, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये मानूं कि यहां पर जो सटीकता है उसकी 100% थी और ये 20% तूफानी मौसम में कम हो गई, तो ये 80% हो गई होगी। बोले हाँ सर हो गई होगी। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 20 × 25, 20 × 80, यानी कि जो एक्यूरेसी थी उसका अनुपात अगर देखा जाए तो 5 से 4 हो गया होगा। राइट। किसका एक्यूरेसी यानी कि सटीकता का जो अनुपात है, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, है ना। सटीकता मतलब लक्ष्य को सही सही भेदने की जो क्षमता है, दैट इज द एक्यूरेसी, दैट इज द सटीकता। सामान्य से 20% कम हो गई, तूफानी में 4 रह गई। अब अगर ये तूफानी मौसम की बात करता है, तो देखो तूफानी मौसम में क्या था कि ये टोटल 350 गोलियां चलाता है, यानी कि 350 शॉट लेता है, और उसमें से 196 सटीक बैठ जाते हैं। 196। तो मैं पूछूं कि ये कितने प्रतिशत सटीक बैठा, तो आपका जवाब क्या होगा कि कितने प्रतिशत सटीक बैठा। तो अगर इसका जवाब निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर ले, इससे ये पता चलेगा कि जो सटीकता का परसेंट है वो कितना है। 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 7 × 2 = 14, 7 × 8 = 56, यानी कि तूफानी मौसम में 28 × 56% उसने सही निशाना साधा है। 56% सही सही निशाना लगाया। सटीकता उसकी 56% थी, तूफानी मौसम में एक्यूरेसी 56% थी। और यही एक्यूरेसी तूफानी मौसम में अनुपात में कितनी थी, बोले सर 4। तो अगर 4 का मान 56 है तो 1 का मान 14 होगा कि नहीं होगा। तो उस हिसाब से सामान्य मौसम में 14 × 5 = 70 उसकी एक्यूरेसी 70% होनी चाहिए। राइट। बोले हाँ सर। और सामान्य मौसम में वो कितनी गोलियां चलाता था, बोले सर 250 गोलियां चलाता था। तो अगर भैया सामान्य मौसम में वो 250 गोलियां चलाता है, तो उसमें 70% गोलियां उसकी सही निशाने पर लगेंगी। तो बस यही करना था आपको कि 250 का आपने 70% बता देना था, और 250 का 70% 175 तो होता ही है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। तो सामान्य मौसम में 250 में से उसके कितने निशाने सही लगेंगे, बोले सर 175। ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर। ठीक है, स्पष्ट है। बहुत प्यारा प्रश्न था भैया ये, वाकई में बड़ा अच्छा प्रश्न था। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा। है नेक्स्ट, चलिए अगले सवाल की तरफ रुझान करते हैं। कह रहा है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं। ये तो बड़ी सरल सी बात कर दी, खैर देख लेते हैं। टोटल 220 छात्र थे, ऐसे लिखता हूं इधर, टोटल 220 छात्र थे जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी डिवाइड हुई, यानी पुरुषों की और महिलाओं की कैटेगरी डिवाइड हुई, और ये बताया गया कि इसमें से 120 छात्र पुरुष हैं। तो 220 में से 120 छात्र अगर पुरुष हो गए भैया, तो ये बहुत सरल बात है कि 100 छात्र जो होंगी वो फीमेल होंगी। राइट। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले नहीं सर। आगे पढ़ लेते हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों के 20% रसायन विज्ञान विभाग के छात्र हैं।
पुरुष छात्र कितने 120, इसका भी 25%, समझना इसका जी 25% केमिस्ट्री, तो इसका 25% यानी 1/4 हिस्सा, अब मैं लिखूंगा नहीं, 1/4 हिस्सा इसका कितना आ जाएगा, बोले सर 30 छात्र, यानी 30 पुरुष छात्र, पुरुषों में 30 छात्र केमिस्ट्री विषय से हैं, बाकी 90 जो होंगे वो और किसी विषय के होंगे। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में क्या रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र जो है, महिलाओं में 20% रसायन विभाग की है। अब इसका 20% रसायन विभाग का, इसका 20% भैया अगर केमिस्ट्री की होंगी तो ये 20 का 20 ही आएगा, बोले ठीक है सर। ठीक, आगे बढ़े, रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब ये रसायन विभाग है, पुरुषों का रसायन विभाग, इसमें 20% पुरुष, इसका 20% क्या होगा, इसका 20% होगा बोले सर 6, ये फाइनल परीक्षा में प्रवेश करे, यहां पे लिख दे रहा हूं फाइनल परीक्षा में प्रवेश किया इन्होंने, ये महिला थी, महिला छात्रों का केमिस्ट्री में जो संख्या थी वो 20 थी और इसका भी 25%, तो इसका 25% यानी 1/4 भाग, और 1/4 कितना आएगा इसका, बोले सर 5, ये फाइनल में प्रवेश की, फाइनल में प्रवेश हुआ। अब कह रहा है रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो अगर मैं रसायन विभाग के कुल छात्रों की बात करता हूं तो रसायन विभाग में पुरुष 30 थे, रसायन विभाग में महिलाएं 20 थी, तो रसायन विभाग में कुल छात्र कितने हुए, बोले सर रसायन विभाग में कुल छात्र हुए 50, और जिसमें उत्तीर्ण कितने हुए, बोले सर 6 पुरुष 5 महिलाएं, यानी 11 लोग उत्तीर्ण हुए, और इसी का प्रतिशत अगर पूछा था तो क्या यह कोई कठिन बात थी, बोले सर 22% उत्तीर्णता रही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बोले ठीक है, बोले ठीक है, ठीक है, गाना है ना इस पर एक, ठीक है, तो आज एक शुभ अवसर भी है सभी को, जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे, जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, सभी को सबसे पहले तो छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता आपके सारे कष्टों को हरे, आप जो चाहते हैं उस पर आगे चलने की आपको शक्ति प्रदान करें, और निरंतर मेहनत करने के लिए हमेशा उत्साहित करती रहे, बस धन्यवाद। चलिए अगला सवाल, कह रहे हैं वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। देखिए समझिए, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या में 50% वृद्धि हुई, तो बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, और अगर हम बात करें बेलन के आयतन की, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझनी होगी कि जो पाई होती है ये नियत वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होती है, इसका मान या तो 22/7 होगा या 3.14, जो भी प्रश्न के अनुसार हो, ये कांस्टेंट होगा, इन दोनों में से एक ही, मतलब इसका कोई हिसाब किताब नहीं करना है। उसके बाद यहां पर यह भी कुछ नहीं कहा गया कि इसकी ऊंचाई में कुछ वृद्धि हुई या नहीं हुई, तो हमें ऊंचाई को भी छोड़ देना है। तो अब पाई आर स्क्वायर एच में अगर हमने पाई और एच को छोड़ दिया तो अपने पास क्या बचा, बोले सर अपने पास आर स्क्वायर बचा, और आर स्क्वायर का मतलब होता है सर आर गुणे आर, यानी 2 बार आर, और सर इसमें 50% की वृद्धि हुई है, तो अगर 50% की वृद्धि हुई तो सर 50% इसमें भी बढ़ा होगा और 50% सर इसमें भी बढ़ा होगा, तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। अब देखिएगा 50% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर, इसका मतलब, बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिज्या पहले 2 के अनुपात में थी अब वो 1 बढ़ जाएगी 3 के अनुपात में हो जाएगी, ठीक है, और सर एक बार ऐसा ही और होगा कि 2 से 3 हो जाएगी, यानी कि 4 से 9 में पहुंच जाएगा, तो 4 से 9 में पहुंच गया तो कितना बढ़ा, बोले सर 5 बढ़ा। मैंने कहा किससे बढ़ा, बोले सर 4 से बढ़ा। मैंने कहा कितने परसेंट, बोले सर 125% आयतन में वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट आयतन में वृद्धि हो जाएगी, बोले सर 125%।
अब इसी को हम लोग एबी रूल से भी लगा लेते हैं। किससे? एबी रूल से। एबी रूल कहता है कि ए प्रतिशत प्लस बी प्रतिशत और एबी बटे 100। सक्सेसिव इंक्रीज का भी तरीका यही होता है कि इसको हम सक्सेसिव इंक्रीज वही है, देख सकते हो। पहले कितनी वृद्धि हुई? बोले सर 50% की वृद्धि पहले बार, फिर दूसरी बार भी सर 50% की ही वृद्धि। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बोले सर 50 × 50 2500 और बटे में सर 100 था, तो 2 जीरो से 2 जीरो अगर हम कैंसिल कर लें तो 50 50 100 और 125। बोले सर आयतन में जो वृद्धि होगी ना सर, वो 125% की होगी। क्या मेरी ये पूरी बात सभी को समझ में आई? दोनों ही तरीके, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है, क्लियर है। कोई बच्चा अगर इसमें, अगर आपको कभी भी किसी भी सवाल में बीच में आगे पीछे ऐसा लगे कि कोई समस्या आ रही हो, तो प्लीज मुझे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए भैया, पढ़े। बहुत सुंदर सुंदर सवाल है, जैसे एक ये और बेहतरीन सवाल है। आप देखिए इस सवाल को, अगर इस सवाल को आप समझ पा रहे होंगे तो आपको ये विश्वास होगा कि सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है? कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। बहुत ध्यान से समझने की बात है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि कंपनी में जो कुल कर्मचारी हैं, टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय जो हैं वो 100 हैं, और इस 100 में क्या 20% पुरुष हैं? समझिएगा, इसमें अगर 20% पुरुष हो गए तो 100 में से 20 लोग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो मेल कैंडिडेट हो गए, यानी पुरुष हो गए। बोलिए ठीक है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित, अच्छा एक चीज और समझिए, अगर 20% पुरुष हो गए तो इसका मतलब जो बचे होंगे 80, वो कुछ और हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि ये फीमेल ही होंगी, ये महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बस ये कंफर्म है कि 20% पुरुष थे। अगर, अब ध्यान से सुनिए, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, यानी कि जितने भी कर्मचारी आपने माने 100, इस 100 का 70% विवाहित है, समझना। तो इसका 70% भैया 70 ही होता है, और ये कर्मचारी थे, ये पुरुष और महिला अभी इसमें नहीं बताया गया था, यानी 70% लोग जो है वो कैसे हैं? मैरिड हैं। कैसे हैं? मैरिड हैं उस कंपनी में। ठीक, अच्छा जी, और इनमें से 10% पुरुष हैं, यानी कि जो 70% विवाहित है इसमें 10% पुरुष है, तो इसका 10% कितना आएगा? बोले सर इसका 10% आएगा 7, यानी कि 7 पुरुष विवाहित है मेल। तो टोटल कितने थे मेल? बोले सर टोटल मेल थे 20। अब इसमें से 7 मेल ऐसे हैं जो मैरिड हैं, 20 में से 7 पुरुष क्या है? विवाहित है। अब अगर देखा जाए तो बचेंगे कितने? बोले सर 13 पुरुष बचेंगे जो अनमैरिड होंगे, जो विवाहित नहीं होंगे, अनमैरिड होंगे। बोलिए ठीक है, इतनी बात। अनमैरिड पुरुष की संख्या कितनी हो गई? 13। क्या पूछ रहा था? तो पुरुष कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, ये ध्यान देना, कितने प्रतिशत पुरुष कर्मचारी? बोले सर 20। मैंने कहा उसमें अविवाहित पुरुष कर्मचारी? बोले सर 13। मैंने कहा कितना परसेंट? बोले सर 65%। यही तो सवाल था। बोले ठीक है, क्लियर है, हर एक चीज स्पष्टता से समझ में आई, चाहे उसमें कितना भी कॉम्प्लिकेशन दिया हो सवाल में, लेकिन आपको हमेशा यह याद रखना है कि धैर्य और अच्छे ढंग से पढ़कर आप किसी भी सवाल को बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल को करने से पहले देखिए, कह रहा वाई का 8/5% एक्स है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है? देखिए सवाल कितना सुंदर आ गया, देख के आंसर आ जाएगा, देख के। अगर आपसे सिर्फ इतनी सी बात कही जाए, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो ना, मैं पेन रख रहा हूं, कि वाई का 8/5%, तो इसका मतलब प्रतिशत अगर हटेगा तो नीचे 100 आएगा,
तो वाई का 8/500 बराबर है एक्स के, तो वाई बटे एक्स कितना आ जाएगा 500/8, यानी वाई का मान 500 और एक्स का मान 8। तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है उल्टा कर देना है। ये जो संख्या जाएगी आप ये देखो कि 8 से 500 तक अगर आप जा रहे हो तो कितने परसेंट बढ़कर जा रहे हो 8 से 500 तक। 8 अपने आप में अगर 100% है तो 500 कितने प्रतिशत बनेगा बताओ। सिंपल सी बात है कि सर इनमें से ना ये हो सकेगा ना ये हो सकेगा ना ये हो सकेगा, एक ही बचेगा अपने पास, दिमाग से ये आंसर आ जाएगा। बोले सर कैसे, देखो कैसे, वाई का ध्यान से देखना, वाई का मतलब गुणा 8/5 और प्रतिशत अगर मैं साइन हटाऊंगा ऊपर से तो नीचे 100 आएगा ही आएगा कि नहीं आएगा। बोले सर 8/5 × 100 ये बराबर है x के। आपसे पूछ रहा है x का कितने प्रतिशत y है, जब ये पूछ रहा है तो इसको भी लिखो समझो तो क्या कह रहा है, कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है हमें ये बताना है। तो अगर अपने पास y बटे x का मान आ जाए तो उसी में 100 का गुणा करना था, बस और कुछ नहीं करना था, इसको नीचे ले आए भैया समझो। तो y बटे x बराबर ये 500 ऊपर गुणे बटे में 8, ये आ गया y अपॉन x का मान। और जो निकालना था उसके लिए हमें सिर्फ इसमें किसका गुणा करना है, बोले सर इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको 100 का गुणा करना है। तो भाई अगर 100 का गुणा करना है तो 500, देखो ध्यान से देखो गुणा भी कैसे, बटे गुणे 100 बटे में 8। अब एक बात सबको पता है कि अगर मैं 8 से 100 को काटूंगा तो 12.5 बार कटता है, और 12.5 में सिर्फ अगर 12 को पकड़ के चलोगे तो 12×5=60, 6000 से ऊपर आंसर आएगा, और 6000 से ऊपर वाला केवल एक ही तो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब आप पूरा करना चाहो तो कर लो, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से सोच कर आगे बढ़ोगे। तो कितने परसेंट आ जाएगा, 6250%। बोलिए ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है नोट करो। सवाल नंबर 16 देखते हैं, 16 का डोला वो वाला सवाल है, ठीक है चलिए। एक से एक बेहतरीन नज्म वाले सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रतिशत चैप्टर में। घुमा फिराकर अगर कॉन्सेप्ट कहीं से भी पूछा जाए तो आपको एग्जाम में समस्याएं ना आए इस वजह से, ठीक है। दो छात्र हैं रणबीर और रणवीर, वाह भैया वाह, एक सिंह है एक कपूर है, ये रणबीर कपूर वाला हो गया मान लो, बाकी ना मानो तो क्या ही है, और ये रणवीर सिंह वाला हो गया। एक परीक्षा में बैठे हैं, मतलब ये भी परीक्षा दे रहे हैं, समझ रहे हो, रेलवे की तैयारी है इनकी। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए, समझिएगा, रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे तो क्रमशः रणबीर और रणवीर के द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। क्या इसमें आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आप सोचोगे, एक वही अप्रोच की एक के अंक एक्स मान लिए, एक के एक्स माइनस सिक्स मान लिए, फिर दोनों के योग का 56% किसी एक के बराबर हो गया, एक्स वाई जेड करते 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 आगे बढ़ते हैं। तो मैं उस अप्रोच से आपको ले जाने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूंगा और ना ही कभी आपसे ये कहूंगा कि आप उसको पेपर या एग्जाम वगैरह में इस्तेमाल करो। तो आपके पास सोच होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, सवालों को करने का तरीका जो होगा वो स्मार्ट होना चाहिए। अब जब सब चीज़ स्मार्ट होती जा रही है, बताओ साला टीवी तक स्मार्ट हो गया, फ़ोन स्मार्ट हो गया, तो क्या सोच स्मार्ट नहीं हो सकती है? हो सकती है ना, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो एक चीज देखो, अपने पास ऑप्शन किस लिए दिए होते हैं। सर ऑप्शन इसलिए दिए होते हैं जब हम आंसर निकाल लेते हैं फिर हम उसको टिक करते हैं कौन सा सही है, ये तो सबसे आखिरी का तरीका होता है। ऑप्शन इसलिए भी दिए होते हैं ताकि आप उससे गेस करो कि आपका जो आंसर होना चाहिए या क्वेश्चन करने का जो तरीका होना चाहिए वो जल्दी कैसे होना चाहिए विद एक्यूरेसी।
देखा कि इन दोनों के अंक का जो अंतर है वो 6 है। तो सबसे पहले मैं उस ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा जिसमें अंकों का अंतर 6 है। यहां पर अंतर 6 है, यहां पर अंतर 6 है, यहां पर अंतर 6 नहीं है, नहीं यहां पे भी अंतर 6 है और यहां पे भी अंतर 6 है, सब में अंतर 6। बोले अब सर, हमने कहा देख लो कोई बात नहीं, समझिएगा स्मार्ट तरीका कैसा होता है। रणबीर के अंक है उनके अंकों का योग का 56%। समझना, रणबीर को मैं आरबी लिख रहा हूं, ठीक है, और रणवीर जहां लिखूंगा वहां आरबी लिख दूंगा। रणबीर का जो अंक है ना वो दोनों के योग का, समझना, केवल मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझो, बाकी इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। वो इन दोनों के अंकों के योग का कितने परसेंट है? बोले सर 56% है। कहने का मतलब ये है कि रणबीर के जो अंक हैं, अगर इन दोनों के 100 अंक हैं तो रणबीर के अंक जो है वो है 56। अगर मैं इसी को मान के चलूं थोड़ी देर के लिए कि रणबीर के अंक अगर 56 हो गए तो रणवीर के कितने होंगे? बस रणवीर के अंक जो होंगे ना वो कितने हो जाएंगे, 100 में से 56 चला जाएगा, 44 हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिल रही, बोले सर इनका अंतर तो 12 आ रहा है जबकि दोनों का अंतर 6 है। बोले अब क्या करें, तो इस 12 को अगर मैं आधा कर दूं तो अंतर 6 मिलेगा? बोले सर मिलेगा। अब मेरे दोस्त अगर इसको तुम आधा करते हो तो इन दोनों को भी आधा आधा कर लो, तो ये हो जाएगा 28 नंबर के साथ और ये हो जाएगा 22 नंबर के साथ। अब देखिए जरा इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा। यही होती है अप्रोच स्मार्ट, कितनी जल्दी आएगा, इस बात की गुंजाइश खत्म हो गई कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी जो है ये गलत हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट देखिए, हाँ ऐसे आपने सवालों को बहुत देखा होगा कि डिप्रिसिएशन मतलब कि मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि पर तमाम सारे सवाल आते हैं ना, देखा है आपने, मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास पर तमाम सवाल आते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि ये सवाल बच्चों से गलत हो जाते हैं या इन सवालों को करने में बहुत समय लग जाता है, दोनों बातें होती हैं। तो आज मैं आपकी इन दोनों समस्याओं को समाप्त करने वाला हूं, बस बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करोगे तो समझा देंगे, ये बात पक्की है। समझना, एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल मतलब प्रतिवर्ष 15% की दर से कम होता है, कम होने का मतलब मूल्य में ह्रास हो रहा है। इसे 2 साल पहले खरीदा गया था, अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1445 रुपये है तो इसका खरीद मूल्य क्या था? समझना, देखो कैसे होगा। सबसे पहले मूल्य सुनो, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होती है। अगर मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि के सवाल आते हैं तो इसमें जो भी प्रतिशत आपको दिया है, आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूं कि जो भी प्रतिशत आपको दिया है आप उस प्रतिशत को भिन्न में लिख लो। जैसे यहां पर दिया था 15%, मैं आपको एक एक लाइन करके दिखाऊंगा ताकि समस्या कोई ना आए। तो 15% को लिखा 15/100, यानी कि 3 बार ये और 20 बार ये। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता 3/20 तो कुछ बच्चों में शंका हो जाती, अरे 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 ये कैसे 3/20 कैसे। अब ये समझिए जो 3/20 बना ये क्या है, ये है वास्तविक मूल्य, यानी कि उस सिलाई मशीन का वास्तविक मूल्य था। मैंने आपको बताया था किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो उसका वास्तविक मान होता है। और ये 3 क्या है, अगर अंश हर से छोटा है तो ये उसमें वृद्धि या कमी को शो करेगा, चाहे वृद्धि करे या कमी शो करे ये उसको शो करता है। तो अब मतलब क्या हुआ भैया, समझना, यहां पे मैंने लिखा प्रारंभिक मूल्य, ठीक, और यहां पे लिखा जो आज का मूल्य है वर्तमान मूल्य, ठीक है। मशीन, सिलाई मशीन के विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब ध्यान से समझना, वर्तमान मूल्य। तो अगर प्रारंभिक मूल्य 20 था किसी भी सिलाई मशीन का और अगर इसमें मैं 15% कम कर दूं तो मतलब 3 कम हो जाएगा, तो आज की डेट में ये मूल्य कितना होगा? बोले सर 17, ठीक। दूसरी बात, ये सवाल बिल्कुल एक झटके से हो जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। ये पहले वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष भी प्रतिशत में कमी उतनी ही रहेगी यानी 15, तो 20 से फिर 17 हो जाएगा ये।
20 से फिर कितना हो गया 17। अब जरा समझना, अब क्या होता है कि अगर मैं कुल प्रारंभिक मूल्य की बात करूं तो 20 × 20 400 कुल प्रारंभिक मूल्य की, और अगर वर्तमान मूल्य की बात करूं तो 17 × 17 289। राइट, बोले हाँ सर। लेकिन सवाल के हिसाब से क्या है, सवाल के हिसाब से आज का जो मूल्य है, वर्तमान जो मूल्य है वो है 1445 रुपए। इट मीन कि 289 का जो मान है वो कितना है, 1445। अब सवाल आया, सर जी कटेगा कैसे? मैंने कहा अच्छा हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे कटेगा। अगर ये 45 ना होता तो इसको मैं पूरा 1400 मान सकता था। बोले हाँ सर। और 28 × 5 = 140, यानी कि अगर 280 × 5 करूंगा तो 1400 तक आसानी से पहुंच जाऊंगा, और अगर 9 × 5 करूंगा तो 45 और मिल जाएगा। इसका मतलब ये इस हिस्से को कितनी बार में काटेगा पूरा पूरा? बोले सर 5 बार में। तो 1 का मान 5 आ गया। अब हमें चाहिए था इस प्रारंभिक मूल्य का मान, यानी कि 400 का मान चाहिए था। तो अगर 1 का मान 5 आ गया तो 400 का मान क्या आएगा? बोले सर 400 का मान आ जाएगा 2000 रुपये। कितने हजार रुपए? बोले सर 2000 रुपए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तो वो तरीका हो गया जो आपको आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। लेकिन अब इसी सवाल को क्या इतना समय देकर वास्तव में करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। बोले सर इससे भी सरल? हमने कहा यस। देखिए अब इसको आप 5 सेकंड में कैसे करोगे? बोले सर 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ 5 सेकंड में कैसे करोगे? देखो एक चीज तो कंफर्म थी, आपको समझने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा समय दोगे, कि जो चीज शुरुआत में 20 बार 2 बार थी, इसका मतलब वो एक बार 20 से कटेगी और दूसरी बार भी 20 से कटेगी, यानी कि वो ऑप्शन आंसर होगा। ध्यान से समझना, जिसमें अगर मैं 2 जीरो को काट दूं, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 2 जीरो अगर काट दूं तो उसके बाद भी वो 4 से विभाजित हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा था? बोले सर 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, सर 2 जीरो कट गया। बोले अब, बोले सर 2 जीरो कटने के बाद ये ऑप्शन भी 4 से कटता है और ये ऑप्शन भी 4 से कटता है, इन दोनों का काम तो खत्म हो गया। बोले अब क्या करना है? अब जब ऐसी स्थिति, अब किस्मत ही खराब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ऐसी स्थिति फंसती है, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि 2 गलत ऑप्शन तो अपने पास से हट गए। अब जब ऐसी स्थिति फंसती है तो उसी स्थिति के लिए मैंने आपको पहले यह भाग बता रखा है और यह कठिन नहीं होगा जहां तक, है ना। तो आप ये समझ पाए कि इसको अगर करना है, मान लीजिए अभी ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए, ठीक है, हो सकता है कभी कभी किस्मत टकरा जाए तो एक में ही काम चल जाए। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और इसको कम समय में करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने समझ पाए पूरी तरीके से? वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। चलिए देखिए, अगले सवाल की ओर रुझान कर लेते हैं, समझते हैं। एक क्लास में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं 40 लड़कियां, ठीक है। उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किया गया, केक बांटे गए। अच्छी क्लास है, मतलब इस क्लास में तो जाना चाहिए, कभी कभी घर से भूखे आ जाओ, कुछ नहीं मिलता है तो क्लास में जाकर अगर केक की उम्मीद है तो क्या ही मजा आ जाएगा, है ना। एक विशिष्ट दिन पर, समझिएगा, एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के, इस बात पर ध्यान देना, लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर होती है, राइट। जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में 4 दिनों में कितने केक वितरित किए जाएंगे? कितने दिनों में? 4 दिनों में। नहीं पता कितने किए जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो कोशिश करने से क्या क्या समझ में आता है। देखो हमने पता चला, मान लो सपोज करो इस सवाल को हमने छोड़ दिया, मैंने कहा एक दिन में जो केक बांटे गए वो सी केक बांटे गए एक दिन में, और अगर 4 दिन में बांटे जाएंगे तो 4 का गुणा तो होगा ही होगा, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, ये बात कंफर्म हो गई। तो पहले अगर मैं चेक करूं कि 4 का मल्टीपल कौन है, तो आप देखोगे चारों के चारों ऑप्शन 4 के मल्टीपल हैं। लेकिन अब सर इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि आपकी सोच विकसित हुई सवाल को करने की, ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है।
आगे बढ़े, अब समझना, 20 लड़के और भाई साहब लड़कियों की संख्या 40 यानी कि दो गुनी। किसी विशेष दिन, प्रत्येक किसी विशेष दिन की बात है, मान लो रविवार की बात है, किसी विशेष दिन, ठीक है, उस विशेष दिन हुआ क्या, प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% बराबर। एक लड़के को, गौर करना भाई, एक लड़के को जो केक मिलेगा, लड़के को, एक लड़के को, वो लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर मिलेगा। लड़कियों की कुल संख्या थी 40, 40 का 15% होता है 6, यानी कि एक लड़के को 6 केक मिलेंगे। कितने लड़के थे? बोले सर 20 लड़के थे। राइट? बोले ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब मैं लड़कियों की बात करता हूं। कह रहा प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर थी, यानी हर एक लड़की को लड़कों की कुल संख्या का 40% हिस्सा मिलता है। लड़कों की कुल संख्या 20, इसका 40% 8, यानी एक लड़की को 8 केक मिलेंगे। और लड़की है कितनी टोटल? बोले सर 40 लड़कियां। मैंने कहा ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि एक दिन में इन लोगों में, यानी 20 लड़कों में और 40 लड़कियों में, कुल कितने केक बटे एक दिन में। 120, 320, और एक दिन में ये थे। तो बोले सर हमें तो 4 दिन का निकालना था। हमने कहा सर 400 गुणा और कर दो, 12 चौको 80, 480 ये हो गया, प्लस 1280 ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं जोड़ूंगा तो 1600 ये हो गया, और 80 160 ये हो गया, यानी कि 1760 कुल मिलाकर केक क्या होंगे 4 दिन में इन 20 लड़कों में और 40 लड़कियों में वितरित हो जाएंगे। इतनी कैलकुलेशन थी, वो भी इतनी सिंपल सी। बस फर्क क्या है, सवाल को अच्छे ढंग से पढ़ना, ताकि गलती ना हो। 1760, क्लियर? नेक्स्ट आइए, चलिए देखिए। जब पहली संख्या के 80%, ध्यान से समझना ठीक है, जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है, ठीक है। तो पहली संख्या के 6/11 के 5/8 के 2/7 हिस्से का मान क्या होगा? देखो सवाल की भाषा देखिए कितना मोहब्बत हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि अरे दादा इतना कठिन सवाल कैसे पूछ सकते हैं, और जबकि इस सवाल में बिल्कुल कठिनाई नहीं है। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछता हूँ, जब इस सवाल को आप आसानी से पढ़ लेते हो, बिल्कुल तसल्ली हो जाती है, तो मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, इस सवाल को आप शुरू कहाँ से करोगे? यही तो सबसे समस्या आती है ना बच्चों में, अंतरे से या मुखड़े से। अंतरा मतलब बीच, मुखड़ा मतलब शुरुआत, गाने की बात है। तो सर अगर मैं इस सवाल को भैया मुखड़े की जगह अंतरे से शुरू करूं तो अपना काम बनेगा? बोले सर अंतरे से मतलब कौन से अंतरे से? मैंने कहा दूसरे अंतरे से। क्या है दूसरा अंतरा? सर अगर मैं सवाल को यहां से शुरू कर दूं कि यदि दूसरी संख्या जो है वो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है, तो यहां से हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो मैंने कहा दूसरी संख्या अगर मैं कुछ मान के चलता हूं, सपोज कर लो बी, अब ये बी कैसे मिलेगी? बोले सर जो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी उसकी 7 गुना ही होगी। तो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। तो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ गई? बोले सर 11। अब जो दूसरी संख्या थी, इसको दूसरी संख्या लिखता हूं मैं, सेकेंड नंबर करके लिखता हूं, ठीक है। अब ये सेकेंड नंबर पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना है, तो 11 × 7, तो हमारे पास दूसरी संख्या भाई साहब क्या बन गई? बोले सर 77 बन गई हमारे पास दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बोले ठीक है, अब आते हैं पहली लाइन पर। ये सब बातें बहुत जरूरी होती है कि कब किस लाइन को पहले पढ़ना है, किस लाइन को दूसरे पढ़ना है, सीक्वेंस बड़ा जरूरी होता है। पहली संख्या के 80% को ध्यान से समझना, पहली संख्या नहीं पता है किसी बच्चे को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए पहली संख्या के 80% मतलब 4/5 भाग को, 80% का मतलब 4/5, इसको दूसरी संख्या यानी 77 के
40% अर्थात 2/5, 40% का मतलब क्या होगा 2/5 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या मिलता है? बोले सर शेषफल 4 मिलता है। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब एक देखो सिंपल सा काम ये कर सकते हो आप कि 4/1 लिख लो तो कोई फर्क यहां पे भी नहीं पड़ेगा। पड़ेगा कोई फर्क? बोले सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो क्या किया भैया, यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आसानी क्या रहेगी, पूरा सॉल्व मत करना, आसानी क्या रहेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कि आपको डायरेक्ट ए मिल जाएगा। और ए क्या था, पहली संख्या थी। देखो कैसे मिलेगा, ए इज इक्वल टू, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो ये हो गया 77, 4 × 8/5 मल्टीप्लाई। इधर क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4/5 ही मिलेगा, लेकिन उस तरफ जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए है यानी पहली संख्या आ गई कि इतनी होगी, करेक्ट? बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? बोले हाँ सर। अब दोस्त एक चीज समझना, इसी दूसरी संख्या का ही हमें क्या चाहिए था, इसी दूसरी संख्या क्या ही 6/11। तो दूसरी संख्या क्या है पूरी पूरी लिखते हैं। बोले सर पहली संख्या मतलब 77 8/5, कोई भी यहां पर कटिंग हमने कुछ नहीं किया, ना कुछ काटा ना कुछ पीटा, डायरेक्ट सब करेंगे 5/4 गुणे। अब इस संख्या का यानी ए का, पहली संख्या का आपको 6/11, फिर 6/11 के बाद 5/8, फिर बोले सर फिर इसका भी 2/7 ये चाहिए था। मैंने कहा चलो भैया ठीक है इतना चाहिए था, अब मिलता है। देखो 8/5 से 5/8 पूरा खत्म हो गया। अब बोले अब सर तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। बोले मैं ठीक है, अब नहीं बचा तो बोलो फिर। सर 11 से 7 बार में ये खत्म हो गया, और सर 7 से 7 बार में ये खत्म हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये क्या बचा? बोले सर अभी भी कुछ बचा है क्या? बोले हाँ बचा है, देखो 6 × 12 ये मिल रहा है, 6 × 12, और 12 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा? बोले सर 5 × 3 यानी कि जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी? बोले सर 15, और ये 15 क्या है? बोले सर ये पहली संख्या का 6/11 का 5/8 का 2/7 है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत उम्दा सवाल जिसे कहते हैं, लवेबल सवाल है, लवेबल क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अगले क्वेश्चन यानी कि सवाल नंबर 20 पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कोशिश करिएगा। ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है, 2500 है, इनमें 55% लड़के हैं और बाकी शेष लड़कियां हैं। ठीक है, 2017 में यानी 16 से 17 में छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की, ना ही लड़के की बात किया ना ही लड़की की बात किया, कुल मतलब छात्र, कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई, करेक्ट है। लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में नहीं बदला, मतलब जो रेशियो पहले था वही आज भी है। तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करो। बड़ा सरल क्वेश्चन है। बोले सर कैसे सरल क्वेश्चन, केवल समझने की बात है, अब ध्यान से देखना कैसे आएगा। एक चीज कंफर्म हो गई, यहीं से देखना, देखो कैसे आपका जवाब आएगा अगर आप चीजों को सही से पढ़ते हो और उसको सोचते हो। बोले सर जब 2016 की बात थी, लोग जब 2500 थे तो इसमें क्या था सर, इसमें 55% नंबर ऑफ जो थे वो बॉयज थे, इसका मतलब बची हुई 45% जो होंगी वो लड़कियां होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोले हाँ सर, ध्यान से सुनना। अब 2016 से जब जो 2017 गए तो जो संख्या थी 2500 वो 12% बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई? 12%, यानी ये तो अपने आप में 100% थी। अब अगर 12% ये बढ़ जाएगी तो ये 112% हो जाएगी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कोई चीज 12% बढ़ी है तो इसका मतलब 4 × 12 और 4/25 यानी 3/25, तो 25 से 28 हो गई, तो ये खुद का 28/25 भाग हो जाएगा। बोलो ठीक है, हो जाएगा? बोले हाँ सर हो जाएगा। एक लाइन में देखो कैसे होगा। उसके बाद अब ये बोला है
कि 2017 में जो लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात था, यानी कि 11 और 9, वो बदला नहीं, वो सेम है, ठीक है। तो वर्ष 2016 में लड़कियों की संख्या क्या होगी, यानी लड़कियां का जो प्रतिशत है 45, वो आज भी रहेगा, तो इसी का 45% चाहिए था आपको। अब सुनना जरा, सुनना जरा, या तो इसको सॉल्व कर लो आसानी से तो भी हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, गुणा करना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही काम करना था, ये तो बड़ा सरल काम हो गया कि इससे ये जो है ये पूरा कैंसिल हो गया मान लो, अब क्या बचा अपने पास, 28 गुणे 45, तो जैसे ही गुणा करेंगे काम बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन 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 सुन, इससे भी सरल तरीका क्या हो सकता है, इससे भी सरल तरीका भैया ये हो सकता है, गौर से समझना, इससे भी सरल तरीका ये हो सकता है कि अगर 2017 में कुल छात्रों की संख्या जो भी रही हो, हमें नहीं पता है जो भी रही हो, क्या ही पता, उसमें अगर लड़कियों की संख्या निकालनी थी जो कि 45% थी, यानी 2017 की कुल जनसंख्या का 45% हमें निकालना था, राइट ना, बढ़ने के बाद, और 45 जो होता है वो 9 गुणे 5 लिखा जा सकता है, यानी कि आंसर वो होता जो कि 9 या 9 का गुणज होता, अंकों का योग जिसका 9 होता या 9 का गुणज होता। तो पहले मैं आपको इसका गुणा करके दिखा दे रहा हूं, फिर आप समझना। देखो 45 दूनी 90 900, ये हो गया, और 45 दूनी 90 चौको 36, 900 और 36 कितना बनेगा, 900 और 360 यानी 1260 बनेगा, क्या बनेगा, 1260। बोलो ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोले सर नहीं है। अब मैंने तुम्हें यहां बताया कि जो संख्या 9 हो या 9 का गुणज हो वो आंसर होगा, तो मैं चेक करता हूं, क्या ये 9 का गुणज था, अंकों का योग इसका 9 या 9 का गुणज, नहीं है सर, 3 2 4 ये भी नहीं है सर, इसमें 5 3 8 2 10 सर ये भी नहीं है, क्या बचा था, 1260। तो इन सब चीजों के कैलकुलेशन से भी आप बच जाओगे अगर यहां पर आपने डिविजिबिलिटी को अच्छे ढंग से पढ़ा था, तो माइंड से सोचना था, बस सोच के ही सवालों के उत्तर आ जाते हैं। सवाल बड़ा चाहे जितना हो, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल ऐसा होता है जो कि आपको उसको आसानी से करने के लिए आगे बढ़ा देता है, ठीक है। मेरी बात समझ पाए सभी लोग, बोलिए क्लियर है। देखिए अगला सवाल, पढ़िए। पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 ज्यादा है, क्या बात है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है, दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है, वाह भाई वाह। तीसरी संख्या के 5/7 भाग के 63% के 40% का मान क्या होगा, क्या गजब का सवाल आया, आया सवाल। आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो थर्ड नंबर है, जो तीसरी संख्या, देखना ध्यान से, जो थर्ड नंबर होगा, हमें नहीं पता है क्या, TN यानी कि थर्ड नंबर जो भी होगा, उसके 5/7, गौर करिएगा, 5/7 भाग के 63% यानी कि 63/100, और उसके भी 40% यानी कि 2/5, इसका मान आपको बताना था, ठीक। अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप पहले ऑप्शन पर नजर डालो फिर मैं आपको बताता हूं। पहले आप क्या कर लो, ऑप्शन को देख लो बहुत अच्छे से, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं कि इस सवाल को करने का सबसे सुघड़ और सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। एक बार ऑप्शन पर गौर कर लो फिर मैं बताऊं। चलिए देखिए, समझिएगा, ऑप्शन देख लिया, बोले हाँ सर। अब एक चीज देखो कि सिर्फ मैंने इतना लिखा जबकि मुझे और कुछ पता नहीं था, मैं पूरा करके बताऊंगा। देखो आंसर निकाला कैसे जाएगा, इसको समझना बेहद जरूरी होता है, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी, बात कंफर्म है, समझना। सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, सारे के सारे ऑप्शन, वो सारे के सारे ऑप्शन कंप्लीट नंबर है, कोई दशमलव में नहीं है। दशमलव में ना होने का मतलब यह है कि नीचे की सारी संख्याएं कट जाएंगी किसी ना किसी से, जैसे 7 से यही कट जाएगा 9 बार में। अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि 9 गुणे 7, इसको मैं लिख सकता था ना 63 को, जिसमें 7 तो कट जाएगा, अब क्या बचा 9, और 9 से विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी क्या कहती थी कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 हो या 9 से कटने वाली संख्या हो तो संख्या जो है 9 से कटती है,
यानी अगर मैं इसका पूरा सॉल्व करूंगा तो भी जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग जो होगा वो 9 या 9 से कटने वाला होगा। ठीक है, पहले को देखें, 8, 6, 14 8, 6, 14, 2, 16 मतलब ये आंसर नहीं है। 8, 8, 16, 2, 18 हो सकता है। 8, 4, 12, 2, 14 नहीं है। 7, 4, 11, 2, 13 नहीं है। मतलब कंफर्म आंसर क्या है? बोले सर 2, 8, 8। सवाल खत्म हो गया। क्यों हम, हालांकि मैं पूरा करके बताता हूं समझना, लेकिन क्यों हम उतना मेहनत करें, ठीक है, जब मेरा काम इतने से हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको पूरा करके बता देता हूं कि ये जो 288 आया, इसका ये मतलब कैसे आया है तो मैंने बताया, लेकिन पूरा देखोगे तो भी देखिएगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। अगर इन सभी का जो वर्ग है वो 30 का वर्ग यानी 900 और इस 900 से भी 1020 ज्यादा है, यानी कि वो 1920 है। इन तीनों संख्याओं का जो योग है ना, जो इनके इतने इतने परसेंट का जो योग है वो इससे भी क्या है, 1920 है। और ये जो 1920 है ये किसका योग आया है? बोले सर ये पहली संख्या के 70% यानी 7/10 का, दूसरी संख्या के 45% यानी कि 9/20 का, और तीसरी संख्या के 30% यानी कि 3/10 का योग था। ठीक है, ये 1920 इनका योग था, इतनी इतनी संख्याओं के इतने इतने परसेंट का। ठीक है भाई, बोले ठीक है सर, समझना आ ध्यान से। अब देखो कह रहा है दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, समझो बड़ा अच्छी बात कह रहा है। और इसको जब आप इस तरीके से करोगे तो देखो कहां तक ये जाएगा, दूसरी संख्या पहली से दोगुनी और दूसरी संख्या और प्रथम के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। ठीक, ये भी ध्यान से समझना। तो अगर मैं इसको 2x मान लूं और इसको x मान लूं तो ये कहा जा सकता है कि दूसरी संख्या पहली का दोगुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर यानी कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है? बोले सर x है। ये भी 30 का वर्ग है, 30 का वर्ग मतलब ये 900 है। तो x का मान अगर 900 हुआ तो पहली संख्या कितनी आई? बोले सर पहली संख्या 900 आ गई। मैंने कहा फिर दूसरी क्या आएगी? बस दूसरी संख्या इसका दो गुना थी तो दूसरी संख्या सर 1800 हो गई। दूसरी संख्या क्या हो गई? बोले सर दूसरी संख्या जो हो गई वो 1800 हो गई। राइट, बोले ठीक है। अब जवाब ये है कि तीसरी क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, ध्यान से समझना, तीसरी क्या होगी, कैसे निकलेगी? देखो पहली संख्या का जो 900 आई है उसका 7/10, तो अगर मैं इसका 7/10 निकालूंगा तो 0 से 0, 7, 9, 63, इसका 7/10 होगा 630। इसका मैं अगर 9/20 निकालता हूं तो क्या मिलेगा? 180, 90 × 9 यानी कि 810। दूसरी संख्या हो गई 810, यानी दूसरी संख्या का 9/20 जो कि था 45% वो 810 हो गया। अब 630 और 810 ये तो हमारे पास पता चल गया, लेकिन जब तीसरी संख्या का 3/10 जो था इनका योग 1920 था, तो भैया अगर मैं 8, 6, 14 और 30, 10, 40 1440 ये हो गया। 1440 अगर मैं इसमें घटाऊं, 1920 में से 1440 अगर मैं इसमें घटा लेता हूं, ध्यान से देखना भाई, तो ये क्या मिलेगा? बोले सर 12 में 4, 8 मिलेगा, यहां बचेगा 8, 8 में 4 जाएंगे तो बचेगा 4, 480 मिलेगा। और ये 480 जो है वो 3/10 हिस्सा है तीसरी संख्या का। तो अगर ये 3/10 हिस्सा है तो तीसरी संख्या पूरी पूरी क्या होगी? बोले सर 1600 होगी। देखिए सॉल्व करिए, तीसरी संख्या हो गई 1600। अब हमारे पास सारी संख्याएं आ गई, ठीक। अब अगर तीसरी संख्या आ गई आपके पास, गौर करिएगा, 1600 जो कि आ गई, अब इस 1600 का 5/7 हिस्सा, उसका 63% मतलब 63% 63/100 और फिर उसका 40% यानी 2/5 ये हमको निकालना था। और यही मैंने तुम्हें 288 बताया था एक लाइन में इतना सब कुछ करे बगैर पहले ही। चलो सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7, 9, 63 हो गया, 5 से 5 ये कट गया। अब क्या बचा? बोले सर अब बचा 9 × 2 यानी 18 × 16 बचा। सर 18 × 16 जब आप करेंगे तो 288 ही तो आएगा। और यही बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी शॉर्ट ट्रिक से। कैसे शॉर्ट ट्रिक क्या बताई मैंने इस सवाल की? इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक थी
कि जो 9 से डिविजिबल हो, क्यों हो, इसके लिए पूरा वीडियो शुरुआत से देखना, मतलब पूरा सवाल शुरुआत से देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, जो 9 से डिविजिबल हो जाए, क्यों, ये भी मैंने आपको बताया। बोलिए क्लियर, मजा इस सवाल में, बहुत उम्दा सवाल है भाई, बड़ा गजब सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ये सवाल भी हमें परेशान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे नहीं करना चाहिए, सवाल तो कोई परेशान कर ही नहीं सकता है, क्यों भैया। चलो दोस्त आइए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। पढ़े क्या कह रहा है, कह रहा है एक गांव की दुल आबादी ने कुल आबादी, ठीक है, कुल आबादी एक्स है जिसमें 40% महिलाएं हैं, गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। अब ये समझने वाली बात है कि निरक्षर महिलाएं जितने भी निरक्षर पुरुष होंगे उनका आधी है, ठीक है। आगे जो कि 4000 है, ये और समझने की बात है, जो कि 4000 है का मतलब समझे। अब आपको जो कि 4000 है मतलब ये समझना होगा कि ये जो 4000 है ये निरक्षर महिलाओं की संख्या है या निरक्षर पुरुषों की संख्या, ये अगर समझने में फेर हो गया तो समझो गड़बड़ है। अब मैं बताता हूँ कि अगर ऐसी चीज लिखी होगी तो हमेशा उसको कैसे समझोगे, ये कैसे जानना होगा। जैसे लिखा है जो कि 4000 है, तो ये जिसके ज्यादा करीब लिखा हो, चाहे पुरुष के या महिला के, जिसके ज्यादा करीब लिखा हो ये उसकी बात कर रहा है। तो ये ज्यादा करीब किसके लिखा है, पुरुषों के, यानी ये पुरुषों की संख्या दे रहा है, ठीक है, निरक्षर पुरुषों की। एक्स का मान क्या है, अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, तो मान ले कि गांव में साक्षर या निरक्षर है, मतलब उस गांव में या तो पढ़े लिखे लोग हैं या तो फिर अनपढ़ लोग हैं, बीच का कोई झंझट वाला काम नहीं है कि आधा पढ़े आधा नहीं पढ़े, डिग्री कंप्लीट करने गए तो छोड़ के चले आए, कल काहे मन नहीं लगा, लड़की ने धोखा दे दिया या लड़के ने धोखा दे दिया, प्यार छूट गया, मोहब्बत चली गई, वैसा कुछ नहीं सीन, ठीक है। तो अब समझना, 40% महिलाएं, तो दोस्त अगर मैं आपको ये पूछूं कि 40% का मान क्या होगा, तो आप कहते हो कि सर इसका भिन्न में मान होता है 2/5। इस 2/5 का मतलब ये है कि जो इसमें 5:5 है नीचे, ये उस गांव की कुल जनसंख्या को शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, जबकि 2 जो ऊपर वाला है ये क्या शो कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है कि उस गांव में महिलाएं 2:1 में, राइट। तो अच्छा, अगर उस गांव में पूरी जनसंख्या उसकी 5 के रेशियो में है, तो मैं 5 से कटने वाली कोई भी संख्या एक जो है मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ उस गांव की जनसंख्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा उस गांव की जनसंख्या जो कुल है, उस गांव की कुल जनसंख्या मैंने क्या मान ली, उस गांव की कुल जनसंख्या मैंने मान ली 500, ठीक है, 5 से कटने वाली संख्या। अब इसका दूसरा भाग यानी कि फीमेल वाला हिस्सा 2/5, तो मतलब 200 महिलाएं हो गई, समझिएगा। तो 500 में बचे हुए जो 300 होंगे वो कौन होंगे, बोले सर वो मेल होंगे, 300 पुरुष होंगे, बोले ठीक है चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, अब हुआ ये जो लाइन कही थी कि गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, तो अगर पुरुष 4000 है जो कि निरक्षर है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि यहां पर निरक्षर पुरुष जो है, निरक्षर पुरुष जो है वो 4000 है, तो इसका मतलब उस गांव में निरक्षर महिलाएं कितनी होंगी, तो बोले सर उस गांव में निरक्षर महिलाएं जो होंगी वो पुरुषों की संख्या का अगर आधी है तो वो 2000 होंगी, बोले ठीक है सर इतनी बात तो क्लियर हो गई कि 2000 हो गई, अब क्लियर, बोले हाँ। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़े तो इसमें एक लाइन और कह दी कि साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, तो महिलाओं में ही अब अगर मैं बात करूंगा तो साक्षर महिलाओं की बात करता हूं, और साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है, बोले सर 6000 है, तो मैंने कहा चलो ये भी बात ठीक है आपकी। तो अब यहां से ये समझ में आया भैया, समझना, यहां से क्या समझ में आया कि कुल महिलाएं जो हैं चाहे वो निरक्षर हो और चाहे वो साक्षर हो, इनकी कुल संख्या कितनी बन रही, बोले सर कुल संख्या तो 8000 बन रही है, कितनी बन रही 8000, और सवाल के हिसाब से हमने महिलाएं कितनी देख रखी हैं, कितनी संख्याएं मानी, बोले सर 200, तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि 200 यूनिट जो हैं, 200 यूनिट का मान कितना आ रहा है, बोले सर 8000 आ रहा है,
तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? बोले सर एक यूनिट का मान इस हिसाब से तो 40 आएगा, ठीक है, कितना आ गया 40। अब क्या पूछा है? बोला था कि कुल जनसंख्या क्या है, मतलब एक्स क्या है, और एक्स आपने जो कुल जनसंख्या थी उसको आपने क्या मान रखा है? बोले सर उसको तो हमने 500 मान रखा है। तो अगर एक का मान 40 आया है तो 500 का मान क्या होगा? बोले सर 500 × 40, तो ये क्या बनता है 500 × 40? बोले सर 20,000, यानी कि 20,000 होगी उस गांव में की कुल जनसंख्या, यानी एक्स का मान कितना होगा 20,000। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है? नोट करिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। सारे सवाल इतने बच्चे अच्छे आ रहे हैं, मतलब हमें खुद में अच्छे लग रहे हैं सवाल, हम अब और क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने क्या किया? एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को, कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 भाग पर बेचा, ठीक है, और 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर बेचा, ठीक है, और बचे हुए यानी शेष को इसके लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके नुकसान का प्रतिशत क्या है? देखो एक चीज तो कंफर्म बता दिया कि इस पूरे लेन देन में होना तो नुकसान है, यानी हानि होनी है, लेकिन उस हानि का प्रतिशत क्या है ये आपसे पूछ रहा है, समझना, बहुत प्यारा सवाल। क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे सवालों के लिए, ये ध्यान से देखना, मजा आएगी आपको। ठीक है, बोले सर अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि जो चीजें थी या कुल अनानास जो थे, मैंने कहा कि अनानास की जो संख्या है वो मैंने 100 मान ली, आपका जो मानो वो मान लेना, जो मानो, ठीक है। अनानास की संख्या मैंने 100 मान ली, ठीक है, कि 100 अनानास थे। इसके बाद मैंने ये भी मान लिया कि एक अनानास का जो मूल्य था, प्रति मूल्य, ठीक है, प्रति अनानास का जो मूल्य है, ये भी आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप जो मैं कर रहा हूं उसी को करो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। एक अनानास का मूल्य भी मैंने 100 रुपए मान लिया, ये माना कि 100 अनानास है और एक अनानास का मूल्य 100 रुपए। बोलो ठीक है। बोले हाँ सर, तो अगर मैं सिर्फ यही बात करता कि 100 अनानास है, एक अनानास 100 रुपए का है, तो टोटल कितने रुपए बनते अगर मैं इसका इसका गुणा कर देता? बोले सर टोटल तो बन जाते 10,000 रुपए, ठीक है, यहां तक बात ठीक है? बोले हाँ सर ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोले सर बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुल अनानास के 40% हिस्से को, तो 100 अनानास थे, इसका 40% तो 40 ही होगा, उसको इसने लागत मूल्य के 4/5 भाग, मतलब 80%, 4/5 भाग का मतलब क्या होता है, 80% पर बेचा, यानी कि 40 अनानास जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 100 था उसको 4/5 पर बेचा, तो 40 अनानास उसने 80 रुपए के हिसाब से बेच दिए। तो अगर 80 रुपए के हिसाब से बेचे होंगे मेरे भाई, तो कितने रुपए मिले उसको? बोले सर 3200, 8 × 32, ठीक। उसके बाद बेचे, आगे कह रहा है 36% को, यानी 100 का 36%, अब 36 अनानास इसको इसकी लागत मूल्य के आधे पर बेचा, लागत मूल्य थी 100, अब बेच रहा है आधे पर, तो 36 × 5 = 180, ये हो गया 1800 रुपये आ गए। अब कितने अनानास और बचे शेष? बोला ना 40, 36, 76, 76, और बचे अनानास 24। इस 24 अनानास को क्या बोला? कि इसके लागत मूल्य पर ही बेचा, यानी कि 100 रुपए के हिसाब से ही बेचा, तो 2400 रुपए यहां से और हो गए, समझिएगा। अब आप बताइए कि आपने अनानास तो 100 के 100 बेच दिए, पूरे के पूरे 100 अनानास बेच दिए, लेकिन मूल्य आपको कितना मिला? बोले सर मूल्य हमको 7400, यानी 7400 ही कुल मूल्य मिला, बेचने के बाद 7400 रुपए ही मिले। खरीद कर आप 10,000 का लाए थे, बेचा आपने 7400 का, तो नुकसान तो हुआ ना? बोले हाँ सर हुआ। कितने का? देखिए 10,000 की चीज को अगर आप 7400 का बेचते हो, हालांकि आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या आएगा, तो आप ये समझ पा रहे होगे कि आपको 2600 रुपए का नुकसान हो गया। किस पर नुकसान हो गया? बोले सर 10,000 रुपए पर, और अगर प्रतिशत में बदलना था तो 100 से गुणा और हो गया, तो 2 जीरो से ये कट गए, और भैया 2 जीरो से 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, ये 2 जीरो और इससे कट गए, तो अपने पास सिर्फ क्या बचा? बोले सर 26% का उसे नुकसान हुआ था, यही आपसे पूछा गया था। बोलिए ठीक है,
एक एक लाइन समझ में आई है इसकी? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो नेक्स्ट। आइए भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, 24वें सवाल को देखिए और प्रयास करिए कि आप इसे कैसे सोचोगे और कैसे करोगे अप्रोच, और उसके बाद फिर ये प्रयास किया जाए कि क्या इसको और कोई सरल तरीके से कर सकते हैं। पहले इस सवाल को पढ़ें तो, है ना भैया? एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक ज्यादा है, ठीक बात है। अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, भाई सवाल को इसी लाइन ने सरल कर दिया। आपको पता है ये बात? ये एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कि इस लाइन से ही सवाल खत्म हो चुका है। फिर भी मैं आपको दोनों भाग करके दिखाता हूं। तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा, समझ रहा? समझो, पहला वो तरीका जो कि लगभग लगभग 95% बच्चा इसमें करेगा। एक संख्या का 50%, तो 50% का मतलब 1/2। दूसरी संख्या मान लीजिए b है, उसका जो है 40% मतलब 2/5 से एक ज्यादा है, मतलब ये हिस्सा इससे एक ज्यादा है, तो इसमें अगर मैं एक जोड़ देता हूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, राइट? ठीक है। अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, यानी कि a और b के बीच का जो अंतर बोला गया है ना, वो अंतर आपको 10 दिया गया है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कि a बड़ा है b से या b बड़ा है a से, तो कुछ भी मान के चल सकते हो, ये तो उस पर है। तो मैंने कहा भाई अगर मैं b को मान लेता हूं a से बड़ा, तो b माइनस a बराबर अगर 10 दिया है तो क्या? अगर ऐसे करें, आप a माइनस b मान के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस साइन का हो सकता है इधर उधर वो हो जाए, लेकिन पहले इस तरीके से आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या ही कर सकते हैं सवालों में, ठीक है? चलो भैया, अब अगर b का मान यहां से मैं निकालूं तो b का मान क्या आ जाएगा? b का मान आ जाएगा a प्लस 10 आ जाएगा। बोले सर आ जाएगा b का मान a प्लस 10। अब अगर b का मान a प्लस 10 आ गया तो इसको मैं यहां पर रखता हूं, a बाई टू एज इट इज, b का मान a प्लस 10, तो अगर इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये 2a प्लस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a प्लस 20 हो जाएगा कि नहीं? भाई b की जगह ये रख दिया और 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2a प्लस 20। अब अगर इसी को मैं 5 से भाग दूं तो इसमें 5 से भाग हो जाएगा, और जब इसमें भाग होगा तो ये 4 बचेगा, और प्लस में 1 था ही अपने पास। बोलो ठीक है, क्लियर है? क्या बचेगा अपने पास? देखिएगा, a बटे 2 माइनस इसको ले आए इधर, तो 2a अपॉन 5, और इधर हो गया 4 प्लस 1 5, 5a माइनस 4a, तो a और नीचे 10 और बराबर में आया 5, तो a का मान आपके पास आ गया भैया 50। a का मान अगर 50 आ गया तो b का मान क्या आ जाएगा सर? बोले b का मान सर यहां से आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 60। और चूंकि दोनों संख्याओं का योग पूछा था, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं कि 50 प्लस 10 60 करेंगे तो ये 110 आ जाएगा। लेकिन सर हमारे दिमाग में ये एक कीड़ा काट रहा है, क्या इस सवाल को सिर्फ ऐसे ही ढंग से करेंगे? बोले नहीं सर, आपने अभी कहा था कि इस वाली लाइन ने इसका काम सरल कर दिया। बिल्कुल सही कहा था, ध्यान से सुनना। देखो ये जो एक लाइन लिखी है ना कि अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो, तो ये लाइन अगर आप सोचो तो ऑप्शन से आपकी बड़ी मदद कर देगी। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो जरा स्मार्ट अप्रोच देखना, समझने की कोशिश करना, मजा आएगी आपको। जैसे पहली संख्या जो पहला ऑप्शन दिया 210 दिया है, मैं आपसे इतना पूछूं क्या 210 किन्हीं भी दो संख्याओं का योग हो सकता है जिनका अंतर जो है 10 हो, जिनका अंतर क्या हो 10 हो, क्या ये योग हो सकता है किन्हीं दो संख्याओं का? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है, मैं कहूंगा कौन सा? बोले सर 100 का और 110 का, ये योग किसका किसका हो सकता है? बोले सर 110 प्लस 100 का योग हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हो सकता है? बोले हो सकता है। मैंने कहा भैया 110 का 50% क्या होगा? बोले सर 110 का 50% 55 होगा। और मैंने कहा दूसरी संख्या इसका 40% क्या होगा? बोले सर 40 होगा। क्या इन दोनों का अंतर एक के बराबर है? बोले सर नहीं है। मैंने कहा ये आंसर खत्म हो गया, समझ गए? दूसरे पर आते हैं, दूसरा है 100, और 100 को अगर अंतर के हिसाब से लिखोगे तो ये 55 और 45 आएगा।
अब आप इसका आधा करिए, इसका 40% लीजिए, अंतर एक नहीं आ सकता क्योंकि वो अंतर दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर अपने पास से खत्म हो गया। बारी आई 110 की, क्या हम 110 को ऐसी संख्याओं में तोड़ सकते हैं जिसका योग तो 110 हो लेकिन अंतर क्या हो 10 हो, योग 110 हो अंतर 10 हो। जी हाँ सर, तोड़ सकते हैं। किसमें किसमें? 60 में और 50 में। मैंने कहा ठीक है दोस्त, देखो जरा 60 का 50% 30 होता है क्या? बोले सर होता है। और 50 का जो 40% होगा वो क्या होगा? 5 × 20 = 20 होगा। 50 का 40% क्या हो जाएगा? एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। इसका 50% 30 हो गया और इसका 40% करें तो 20 आएगा। क्या आ जाएगा? 20। तो क्या इन दोनों का अंतर जो है वो एक अधिक है? एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है? नहीं, ये तो अधिक नहीं हो रहा है। तो फिर 50 कैसे आ सकता है? जरा चेक करो तो फिर 50 कैसे आ सकता है? एक संख्या का ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक संख्या का 50% सही तो है। सही है। बोले सर कैसे सही है? मैंने कहा देखो एक संख्या, इसमें ये नहीं कहा है कि पहली या दूसरी, समझो ध्यान से, ये बात भी लाइन से देखना। एक संख्या कहा है, पहली या दूसरी की बात नहीं कहा है, ठीक है। तो एक संख्या का अगर मैं इसका लेता हूं 50%, तो 50 का 50% क्या होता है? बोले सर 50 का 50% तो 25 होता है। मैंने कहा ओके। और दूसरी संख्या का अगर मैं 40% ले लेता हूं तो दूसरी संख्या का 40% तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर आप अंतर देखेंगे तो अंतर एक ही आएगा। कितना आएगा? एक। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी कर सकते हो, यही तरीका सबसे अच्छा होगा इतना करने से। हालांकि मैंने आपको पूरा करके बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ पाए ना सभी लोग? मजा आई सवाल में? सो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पर है, इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है? जो भी कहेगा कुछ अच्छा ही कहेगा, है ना। चलिए भैया पहले इसको समझते हैं, जैसे सब लोग करते हैं वैसे करते हैं, फिर इसमें कुछ ऐसा सोचेंगे, प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर किसको और अच्छे से किया जा सके। ओके, आओ। कह रहा है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, ठीक है। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है, ठीक है, तो पहली संख्या के 4/5 हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? अब इसमें टारगेट क्या है अपने पास? इसमें टारगेट यह है कि हमें सबसे पहले तो दूसरी संख्या चाहिए होगी। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? कौन सी संख्या? बोले सर पहली संख्या का 4/5 हिस्सा। तो दूसरी संख्या के साथ साथ हमें पहली संख्या भी चाहिए होगी, यानी भैया इसमें संख्याएं दोनों चाहिए, और अगर दोनों संख्याएं चाहिए तो करना तो पूरा पड़ेगा। ध्यान से देखो जरा, करने की कोशिश की जाए। बोले सर कोशिश क्या, इसमें तो बिल्कुल करा ही जाएगा। एक संख्या का 40%, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए संख्या ए, इसका अगर 40% बात किया जाए तो इसका 40% क्या होगा? 2/5, राइट, 2/5, 40%। दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। अब दूसरी संख्या ले ली बी, इसका 30% क्या हो जाएगा? बोले सर 3/10। तो पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से ज्यादा है, यानी ये हिस्सा बड़ा है इस हिस्से से, और बड़े से ही छोटे को क्या करते हैं? माइनस। और ये अंतर कितने के बराबर है? बोलो सर अंतर 330 के बराबर है। कितने के बराबर है? 330। बोलिए इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करने की जरूरत लगे इसमें तो कर लो, अदरवाइज आगे सवाल पढ़ो क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुने से 90 कम है, दूसरी संख्या मतलब बी ऊपर उल्लिखित अंतर के, यानी 330 के 3 गुने, 330 का 3 गुना 990, उससे 90 कम, तो 990 में से 90 कम, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो अपने पास आ चुकी है कितनी? 900। क्लियर है? बहुत छोटी सी सिंपल सी बात थी।
आगे बढ़ते हैं। अब b का मान आ गया 900, समझना ध्यान से भैया। तो अगर b का मान 900 यहां रखोगे तो 900 में एक जीरो ये कट जाएगा, 9 3 27, 270 हो जाएगा। 270 इधर आके जुड़ेगा, 600 बन जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा? बोले सर a का 2/5 हिस्सा किसके बराबर होगा? बोले सर 600 के। बात समझ में आई ना? 600 कैसे आया? क्लियर है ना? 600 कैसे आया? तो भैया 300 ये हो जाएगा और 300 को ये काटेगा, 5 बार गुणा करेगा तो a का मान आ जाएगा 1500। अब अपने पास पहली संख्या भी आ चुकी है, दूसरी संख्या भी आ चुकी है। कहा था, समझना ध्यान से, पहली संख्या के 4/5 हाथ। तो पहली संख्या है भैया 1500, और अगर इसका आप 4/5 हिस्सा निकालते हो 1500 का, यानी कि 80% निकालते हो, तो ये आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा? 4/5 निकाल लोगे इसका तो ये आ जाएगा 1200। तो पहली संख्या का 4/5 यानी कि 1200, ध्यान से देखो, दूसरी संख्या यानी कि 900 का कितने परसेंट है, यही बात आपको बतानी थी। बस इतना सा ये सवाल था, समझे? इतना सा ही सवाल था। तो दो जीरो से दो जीरो अगर हम काट लेते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि 3 से 4 बार ये कटेगा और 3 से 3 बार ये कटेगा। अब हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? बोले सर 400/3 का मतलब 133 सही 1/3, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बोले सर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट क्लियर है इसमें? देखो, अब अगर इसमें आप कुछ दूसरा करने के लिए सोच रहे हो तो इसमें दूसरा आप सिर्फ इतनी चीज कर सकते हो कि जो कैलकुलेशन हुई है यहां पर, इसको आप तेजी से कर सकते हो, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो समय कम लगेगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो समय निश्चित तौर पर इसमें ज्यादा लगने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट आओ भाई। चालीस किलो के केक को 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई के बीच इस तरह से वितरित किया जाता है, केक को होना चाहिए यहां पर, केक को 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई में इस तरह से बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? कि इसका 15% ए को मिल जाए, ठीक है, 25% सी को, 30% ई को, और अरु नहीं होगा यहां पर, और होगा, ठीक है, और 20% डी को। यदि 1 किलो के केक की कीमत इतनी है और प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त हिस्से के अनुसार भुगतान करता है 1 किलो के केक का, तो बी और ई के द्वारा मिलाकर कुल भुगतान की गई राशि कितनी है? बहुत सरल सा और बहुत ध्यान अच्छा सा सवाल है, समझने की जरूरत है इसमें, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बोले सर क्यों? मैंने कहा भैया देखो जरा समझो, अगर 1 किलो केक की कीमत इतनी है 150 रुपए, और 40 किलो का केक था जो कि 5 लोगों में बांटा गया, तो अगर 1 किलो केक की कीमत है 150 रुपए और ये 40 किलो का केक था, तो इसका मतलब कुल केक की जो कीमत होगी वो रुपए होगी 6000 रुपए। बताइए सही है? 6000 रुपए कुल केक की कीमत हो गई। बोले सर ठीक है। अब इसके बाद कहने का मतलब ये 40 किलो का केक कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस 6000 रुपए को 5 लोगों में बांट दिया गया, समझना। तो ये 6000 रुपए अगर 5 लोगों में बांटे गए, किसमें किसमें? ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में और फिर ई में। आप ये कह सकते हो 40 किलो केक या फिर 6000 रुपए बांटे गए, ठीक। तो कैसे मिला? बोले सर इसका 15% ए को मिल गया, ए को मिल गया 15%, सी को 25%, सी को 25% हो गया, ई को 30%, ई को 30% हो गया, और 20% डी को, 20% हो गया डी को। अब समझना मेरी बात। अच्छा, ये जो 6000 रुपए थे ये अपने आप में तो 100% रहे ही होंगे ना? बोले हाँ सर। अब 100% में इतना हिस्सा बट बुटा के खत्म हो गया, तो बचा कितना होगा? बोले सर बी के लिए जो हिस्सा बचा होगा, जो कि नहीं लिखा है, वो 10% बचा है। कितने परसेंट बचा है? 10%, ठीक। क्या कह रहा था?
कह रहा था बी और ई दोनों के द्वारा, तो बी के द्वारा हिस्सा जो आया वो 10% है और ई का हिस्सा जो आया वो कितना है, बोले सर वो 30% है। तो बी और ई का दोनों का हिस्सा कितना है, बोले सर 40% दोनों का हिस्सा है, 6,000 रुपए में दोनों को कुल मिला के 40% मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 6,000 का 40% निकाल लेना है। तो 6,000 का अगर 40% यानी 2/5 भाग निकालोगे तो ये हो जाएगा 2400 रुपए। कितने रुपए, 2400 रुपए। यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो रुपए मिले होंगे वो कितने रुपए होंगे, इन दोनों को मिलाकर भुगतान की गई जो राशि होगी वो कितनी होगी, 2400 रुपए। बस इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात जो ये थी ना, जिसको मैंने इतना आपको लिख के बताया ताकि आप चीजों को समझ पाओ, वो पॉइंट पकड़ना सीखो जहां से सवाल उठता है, मतलब शुरुआत होती है और खत्म हो जाता है जल्दी से, ठीक है। तो इसके लिए इतना समय लगा, नहीं तो ये सवाल भी इतने समय का था नहीं, बहुत ज्यादा अगर ये सवाल होता तो फिर 5 से 7 सेकंड का होता बस इतना। और ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करना धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, और कर भी रहे होगे, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पढ़िए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई 5:4:2 के अनुपात में है। अच्छा, तो चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगा, ऊपर पड़े द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इन अ रेशियो ऑफ 5:4:2। तो यहां पर इसके साथ साथ ऊंचाई भी होगी, ठीक है, तभी तो तीनों अनुपात होंगे, ऊंचाई भी होगी, राइट। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है 5:4:2 के अनुपात में है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए जबकि लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, समझने की बात है। देखो जरा मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि घनाभ है, हालांकि सवाल चंद सेकंड का है, जितनी देर हमको ये केवल घनाभ बनाने में लगेगी इससे आधा समय लगेगा आपको सवाल करने में, अगर आप समझ लोगे अच्छे से। मान लीजिए एक घनाभ है, मान क्या लीजिए घनाभ ही है, ठीक है, इसमें मानना जैसे कुछ नहीं, घनाभ ही है। तो इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, समझते हैं। तो लंबाई है 5 के रेशियो में, ठीक, इसकी चौड़ाई जो है वो 4 के अनुपात में है और जो इसकी ऊंचाई है वो 2 के अनुपात में है, ये अनुपात हो गया। अब घनाभ का क्षेत्रफल अगर हम पूछते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अगर संपूर्ण पृष्ठीय लोगे तो ही बात होगी, और अगर हम लोग वक्र पृष्ठीय लेंगे तो आधार को और ऊपर की छत को छोड़ दिया जाएगा बस ना। देखिए अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेता हूं तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB + BH + HL, राइट, यही होता है कि नहीं होता है, बोले हाँ सर यही होता है। तो अगर मैं अभी देखूं केवल यही मान कर कि ये जो है यही इसकी लंबाई है, यही इसकी चौड़ाई है और यही उसकी ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, बोले सर 2 LB यानी 5 × 20, BH का मतलब हो गया 4 × 2 = 8 और HL का मतलब हो गया 2 × 5 यानी कि 10। तो 20 × 10 = 30 + 8 = 38 × 76 यानी कि अभी क्षेत्रफल बनता 76। बोलिए ठीक है, यस और नो, ठीक है ना। अब जो इसमें कहा गया है उसको देखते हैं, बोले सर क्या कहा गया है, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें। तो चौड़ाई को अगर आधा करोगे, समझना ध्यान से, चौड़ाई को आधा करोगे तो चौड़ाई पहले 4 थी, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2। ऊंचाई को आधा किया, ऊंचाई हो गई 1, आधा किया, और लंबाई 3 गुना कर दी जाए, 5 से लंबाई कितनी हो जाएगी, 15। बोलिए ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, अब क्षेत्रफल क्या बनेगा, बोले सर अब 2 LB यानी कि 15 × 30, BH यानी 2, HL यानी 15। तो 15 × 45 = 47 × 94 बन गया एरिया। पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था, बोले सर 76 आ रहा था, अभी क्षेत्रफल कितना आ रहा है, बोले सर 94 आ रहा है। मैंने कहा डिफरेंस पड़ा, बोले पड़ा, मैंने कितने का, बोले सर 16 यानी 14 ये पड़ा, 4 वो पड़ा, 18 का डिफरेंस पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, 18 का जो डिफरेंस पड़ा है
ये किस पे पड़ा है? बोले सर 18 बढ़ा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 18 बढ़ गया है, तो जो कम वाले ऑप्शन थे वो अपने पास से खत्म हो गए, बढ़ने वाले ऑप्शन बचे रहेंगे। 18 बढ़ा है, बोले सर 76 पे बढ़ा है। ध्यान से सुनना, अगर इस 76 की जगह 72 लिखा होता, 72 लिखा होता, तो 18 चौको 72 होता, 1/4 यानी 25% बढ़ता। लेकिन यहां पर 18 72 की जगह 76 लिखा है, तो नीचे वाली संख्या 4 से बड़ी होगी, और अगर ये 4 से बड़ी होगी जो प्रतिशत होगा वो 25 से कम होगा। बोलो होगा कि नहीं? और 25 से कम होगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बोले सर सही जवाब हो जाएगा 63.68, इसको प्रतिशत में बदलना रह जाएगा। तो ये कितने परसेंट होता? बोले सर 23.68%। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोले हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का देख लो, कोई दिक्कत ना हो तो है ना, ठीक है, बोलते जाइएगा। बोले सर पक्का, ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर आता। चलिए, एक किसान के पास जो चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बसे में से 20% का स्वयं के लिए, 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। अगले दिन वह शेष के 80% को बचाता है। अगले दिन जो बचे हैं उसके 80% को बचाता है और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है, बेचता होगा यहां पर, ठीक है, बचाता नहीं, बेचता है, और अपने स्वयं के उपभोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना प्रतिशत, इस बात को ध्यान देना, कुल चावल का कितना प्रतिशत भाग उसने अपने लिए उपयोग में लिया। अब देखो कितना सरल क्वेश्चन है, समझने की देर है केवल। बोले सर सरल है? मैंने कहा बिल्कुल सरल है, हमें नहीं पता उसके पास कितना चावल है, हमने मान लिया, मान लेते हैं, ठीक है, हर चीज जो नहीं पता होती उसे माना जाता है, गणित हमेशा इसी बात पर आगे चलती है, ठीक है। तो मैंने उसको मान लिया कि उसके पास 100 kg चावल है। आपका मन है ज्यादा मानने का, आप अमीर हो तो आप ज्यादा मान सकते हो, और जिसका मन हो कि सर हम 100 नहीं मानेंगे, हम आपकी बात क्यों माने, कम मानेंगे, तो आप कम मान सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। 100 kg चावल मान लिया, 60% बेच दिया, तो अगर इसका 60% बेचा तो 100 का 60% तो 60 kg होता है। तो सबसे पहले जो है उसने 60 kg चावल क्या कर दिया, शुरुआत में बेचा, तो अब उसके पास 40 kg बचा होगा कि नहीं बचा होगा, ध्यान से सुनना, 40 kg बचा होगा, बचा और बेचा में अंतर देख लेना, ठीक है, 40 kg उसके पास बचा। बोलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग किया, बचा कितना था? बोले सर 40 kg, कितना बचा था? बोले सर 40 kg बचा था, इसका भी 20%, तो इसका 20% अगर आप लेते हो तो 8 kg आता है, 8 kg आया, ये स्वयं के लिए उसने उपभोग कर लिया, स्वयं उपभोग कर लिया, यानी खुद और परिवार के लिए खाने के लिए भी तो कुछ आवश्यकता होगी, तो पहली कंडीशन में ये 8 kg उसने अपने लिए यूज कर लिया। अच्छा जी, अब 40 में से 8 kg यूज कर लिया, तो भैया इस हिसाब से तो यहां पर 32 kg चावल अभी बचा होगा। कितना चावल बचा होगा? बोले सर 32 kg अभी भी बचा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20% का स्वयं के लिए उपयोग हो गया, अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है, शेष का यानी अभी शेष कितना बचा है, देखना ध्यान से, अभी का जो शेष है वो शेष ये है, ये तो उसके लिए उपयोग हो गया था, इस शेष का जो पीले में लिखा यही शेष है, ठीक है, अब इसका 80% बेच देता है। अब अगर इसके 80% की बात करें, 80% का मतलब 4/5, तो इसका 80% क्या होगा? बोले सर 3.2 × 4, बोले सर सॉरी 8, 3.2 × 8, बोले सर ये मतलब क्या हुआ भैया? ये मतलब ये हुआ इसका 10% 3.2 होगा, तो 80% के लिए उसमें 8 का गुणा हो जाएगा, तो 3.2 × 8 यानी कि 8 × 2 = 16, 6 × 1 = 24 और 1 = 25, 25.6 kg, इसमें 32 kg में से 25.6 kg अब उसने फिर से बेच दिए, बचा कितना उसके पास?
चार और 26 26, यानी कि 5.4 केजी अभी भी उसके पास बचा है, 5.4 केजी अभी भी उसके पास बचा है, और वो खुद का उपभोग कर लिया, बाकी का उपभोग खुद के लिए कर लिया, यानी 5.4 केजी यहां खुद के लिए उपभोग कर लिया, तो ये भी लिख लिया स्वयं के लिए। जब पहले वाला खत्म हुआ तो उसने यहां पर और बचाया, राइट। कुल चावल का कितना परसेंट उसने अपने लिए उपभोग किया, समझो कुल चावल का, बोले सर कुल चावल का कितना परसेंट अपने लिए उपभोग किया, मैंने कहा हाँ यही तो पूछा है, कुल चावल का कितना परसेंट उसने अपने लिए उपभोग किया, तो 8 केजी यहां पर समझिए और 5.4 केजी यहां पर, कितना हो गया 8.8 केजी वहां पर उपभोग हुआ 40 का 20% और 5.4 केजी यहां पर हो गया, यानी कि 13.4 केजी उसने खुद के उपभोग के लिए रखा। अब पूछ रहा था कुल चावल का कितने परसेंट है, तो कुल चावल कितना था, बोले सर 100 था, 100 का ये कितने परसेंट होगा, इतने ही परसेंट होगा, देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है या उसमें कुछ हुआ, चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 14.4 आ रहा है, 60% बेचा, 60 बेचा 40 बचा होगा, बाकी में से 20% स्वयं के उपभोग के लिए रखा, स्वयं का उपभोग 32 केजी बचा, ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी का उपभोग किया। अगले दिन हुआ शेष का 80% बेच देता है, शेष का 80% बेच दिया, इसका 10% हो गया 3.2 और 80% 8 से गुणा, तो 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 और 25.6 केजी इसने बेच दिया फिर से, तो बचा कितना 4 × 26 और 26 और 6 हो गया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर 14.4 केजी आ जाएगा। तो जो 14.4 केजी होगा ये कुल चावल यानी 100 का कितने परसेंट होगा, बोले सर इतने ही परसेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। देखो यहां पर कैलकुलेशन में हमसे भी मिस्टेक हुई, तो आप हमेशा याद रखना कि ऐसे प्रश्न जिसमें कैलकुलेशन करनी ही हो, जिसमें आप कैलकुलेशन से बच ना पा रहे हो, उसमें बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, गलती होने की गुंजाइश होती है, अगर हमसे गलत हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपसे भी हो लेकिन हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया, मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गई भाई, ठीक है, बड़े आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ा जाए, ये अपने आप काले में लग जाता है, चलिए समझिएगा। एक छात्र ने एक परीक्षा में भाग लिया, बहुत बढ़िया, सभी को लेना चाहिए, जिसमें 5 परीक्षण थे, ठीक है, आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक, बहुत ध्यान से समझना, आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 परीक्षण के लिए आवंटित अधिकतम अंक के 2 गुने है, ठीक बात है, पहले 3 परीक्षण के लिए छात्र का औसत अंक 60% था, वेरी गुड, चौथे परीक्षण में छात्र को 75% अंक मिले, ठीक बात है, पांचवें परीक्षण में छात्र द्वारा कितने प्रतिशत अंक किया जाना चाहिए ताकि पांचों परीक्षण में मिलकर 70% औसत अंक बन जाएं, लिख लो सवाल, आज तक के प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन जिसे कहते हैं, मजा आ जाएगी आपको, ध्यान से समझिएगा फिर करेंगे, ठीक है, कितने परीक्षण, बोले सर 5 परीक्षण, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने 5 परीक्षण लिख लिए, A1, A2, A3, A4, A5, ये हो गए 5 परीक्षण, आखिरी में से प्रत्येक के लिए आवंटित अधिकतम अंक पहले 3 परीक्षण के लिए आवंटित अधिकतम अंक के 2 गुने, इस लाइन को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है, कैसे, पहले 3 परीक्षण के लिए आवंटित अधिकतम अंक, ध्यान से समझना, पहले 3 परीक्षण A1, A2 और A3 के लिए जो आवंटित अधिकतम अंक है वो आखिरी के 2 परीक्षण यानी कि A4 और A5, A4 और A5 के जितने भी अंक मिले A4 और A5 को,
उस अंक, वो जो अंक है वो इससे दो गुने अंक है, इससे क्या है दो गुने अंक। तो अगर मुझे बराबर करके लिखना है, मतलब इन दोनों परीक्षणों में जो अंक मिले हैं वो इन तीनों परीक्षण में मिले अंक के दो गुने थे, तो अगर मुझे इन दोनों हिस्सों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोले सर इसमें दो से गुणा कर दे तो ये हमारा हिस्सा बराबर हो जाएगा। राइट, इतनी बात तो क्लियर हो गई, समझ आ गई। अच्छा जी, पहले तीन परीक्षण के लिए छात्र के औसत अंक 60% थे। ध्यान से समझना, पहले तीन परीक्षण यानी A1, A2 और A3 में जो इसको अंक मिले हैं वो 60% थे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 60%, या फिर 60/100 लिख सकते हो, या फिर 3/5 भी लिख सकते हो, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। ठीक है, 60% अंक मिले। अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथा परीक्षण था उसमें 75% अंक मिले, यानी A4 जो है, A4 में 75% अंक उसे मिल गए हैं। ठीक है, 3/4 भी लिख सकते हो, 75% अंक मिले। राइट, अच्छा जी, कहता है कि पांचवें परीक्षण में यानी कि A5 में इस बंदे को कितना परसेंट नंबर मिले कि सभी को मिलाकर 70% मिल जाए। तो A5 में कितने परसेंट नंबर मिले ये हमें नहीं पता है, हमने लिख लिया A5 में वाई परसेंट नंबर मिले। अब क्या है कि पांचों के पांचों परीक्षण का औसत जो है वो हो जाना चाहिए 70%, बहुत ध्यान से समझना, और हमें मान चाहिए है वाई का। ठीक है दोस्त, अब देखो जरा क्या इक्वेशन बनेगी और कैसे आप करोगे, बहुत सुघड़ सवाल है। देखना, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तीन परीक्षण में कितने परसेंट अंक मिले थे? बोले थे सर 60%, तो इसका 60% लिख लिया। राइट राइट, चौथे परीक्षण यानी A4 में कितने परसेंट अंक मिले? बोले सर 75%, तो इसका 75% लिख लिया। ठीक, पांचवें परीक्षण यानी A5 में कितने परसेंट अंक मिलने चाहिए यही हमें निकालना था, और इससे हुआ क्या इसको मैं थोड़ा इधर करके लिख देता हूं। ठीक है, या ऊपर कहीं लिख देते हैं उस बात को जो बात लिखी थी, इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहां पर कि A1 प्लस A2 प्लस A3 को 60% अंक मिले थे। ठीक है, 60% अंक मिले थे। अब ये पांचों परीक्षण आपने लिख लिए, बोले ठीक है सर, इसका रिजल्ट क्या बना? इसका रिजल्ट भैया ये बना था कि पांचों परीक्षण में 70% अंक बने थे, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? बोले सर ये बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और इसके 70% अंक यहां पर प्राप्त हुए। बोलिए ठीक है, बोले हाँ सर ठीक है, इतनी बात क्लियरिटी से समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोले सर बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब ध्यान से समझना, अब आप अगर नजर से देखो और समझने की कोशिश करो तो A1, A2, A3 का मान यहां से क्या निकाल सकते हो? बोले सर A4 प्लस A5 निकाल सकते हो, A4 प्लस A5 बाई 2 लिख दो यहां पर, क्या A4 प्लस A5 बटे में 2, और इसको 3/5 करके लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, जैसा पहले बता दिया था। फिर A4 में नंबर कितने थे? बोले सर 3/4, 75% का मतलब 3/4। A5 में कितने परसेंट नंबर थे यही हमको निकालना है, y/100 बराबर। अब अगर इसको नजर से देखो, ध्यान से समझना कि A1, A2, A3, A4, A5, तो ये क्या बनेगा? बोले सर अभी हमें बताया आपने कि A1, A2, A3 जो है ये A4 और A5 के टर्म में क्या बन जाएगा? बोले सर बटे में 2 बन जाएगा, तो मैं इसको ही लिख सकता हूं 3 × A4 प्लस A5/2 लिख सकते हैं। बोले सर कैसे लिख सकते हैं? इसकी जगह हम ये हिस्सा लिखते हैं, इस भाग की जगह A1, A2, A3 की जगह हम A4 प्लस A5/2 लिखेंगे, और जब 2 ऊपर जाएगा तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? बोले सर 3 हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? बोले सर बिल्कुल समझ में आ गई, यानी इस हिस्से को हम लिख सकते हैं 3 × A4 प्लस A5/2 और इसका 7/10 हिस्सा। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगी आपको। ठीक है,
अब जरा काटा पीटी करने की कोशिश करो और देखो क्या मिलता है। अगर मैं काटा पीटी करने की कोशिश करता हूं तो मैं यहां पे कर लूंगा, ठीक है, ताकि यहीं पे एक जगह बच रही, बाकी जगह तो बच नहीं रही। चलिए भैया, अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बचेगा और क्या क्या हमारे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 10, 3/10 हो जाएगा। और अगर मैं इसको चेक करूं तो ये क्या बनेगा, बोले सर 21/20 बनेगा। 3/10 और 21/20, इसको अगर 20 बनाना चाहते हैं इसको, तो 2 से ऊपर गुणा कर नीचे करना, यानी कि 6/20 ये बन जाएगा और ये 21/20 बन जाएगा। तो 21 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 15/20। 15/20 का मतलब 3/4 है ना भैया, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। तो 3/4 एक तरफ अपने पास क्या बचा, समझो 3/4 A4 + A5, देखना कैलकुलेशन यहां पर, A4 + A5 बराबर, बोले सर ये वाला हिस्सा अपने पास है अभी, ये क्या है, बोले सर 3/4 A4 बराबर 3/4 A4, और क्या आएगा, बोले सर A5 गुणे Y/100 आएगा, बोले आएगा सर। अब देखो 3/4 A4, 3/4 A4 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, इसका अंदर गुणा होकर बचेगा 3/4 में A5, और इधर बचेगा A5 गुणे Y/100। अब मुझे ये बताओ यहां लिख देता हूं 3/4 A5 और इधर क्या है A5 गुणे Y/100। तो अगर A5 का कंपैरिजन करो तो ये तो खत्म हो जाएगा। और 3/4 का मतलब कितने परसेंट होता है, बोले सर 3/4 का मतलब तो 75% होता है, यानी जो A5 यानी कि पांचवा परिणाम होगा वो कितने प्रतिशत होगा, बोले सर 75%। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। और लिख लो इसको, बहुत प्यारा सवाल है। अब तक के प्रतिशत में जितना भी आपने पढ़ा, 28 सवाल इससे पहले पढ़े, उन 28 सवाल से बढ़िया एक प्रश्न ऐसा आया जिसने अगर मान के चलो तो पूरे के पूरे 28 सवाल को कवर कर दिया, बहुत गजब का क्वेश्चन। अब बात यह आती है सर क्या इसमें स्मार्ट अप्रोच कुछ सोच सकते हैं, इसमें सोचने के लिए तो आप सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, सोचने में क्या ही मनाही होगी, वो कौन रोक पाएगा, ठीक है। लेकिन जरा समझो, इसमें पहली बात कही थी कि पहले 3 परिणामों के अधिकतम अंक जो है वो आधे हैं चौथे और पांचवें परिणाम में से प्रत्येक के अंक के। तो चौथा परिणाम तो हमें पता था लेकिन पांचवा तो नहीं पता था, तो जब तक पांचवा पता नहीं तो दोगुना कर नहीं सकते या आधा कर नहीं सकते। या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि पहले 3 परिणामों का केवल औसत पता था, इनके अधिकतम अंक अभी तक नहीं पता है कि A1 के अधिकतम थे या A2 के थे या A3 के थे, ठीक है। फिर भी इस सवाल का मैं कुछ शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये देखो सवाल बहुत प्यारा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए पढ़िए। वर्ष 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपए है, 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में, अच्छा जी, तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो जाती, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती भैया, 15% की वृद्धि हो जाती, ऐसा बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है या करती है, जो भी है। 2017 में उसे अपने ऋण चुकाने के लिए वह कितना खर्च करेगा, ध्यान से समझना। अगर आपको बोला जाए कि 2016 में या किसी एक पर्टिकुलर ईयर में आप 18,000 रुपए प्रति महीने कमाते हैं, तो आप एक वर्ष में कितना कमाएंगे, बोले सर एक वर्ष में क्यों निकाल रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं कि जब 2017 में हम पहुंचेंगे तो हमें वार्षिक आय की गणना करनी होगी, किसकी, वार्षिक आय की, ठीक। तो भैया गुणा कर लेते हैं तो 180 और प्लस 36 216, यानी 216,000 रुपए प्रति वर्ष 2016 में कमाया जा रहा था। अब 2017 में क्या होगा, 2017 में भैया ये जो इनकम थी 216,000 रुपए, ये 15% बढ़ जाएगी,
तो 15% बढ़ने का मतलब ये खुद का 115% हो जाएगी, राइट ना। अब इसी इनकम का जो यहां तक अभी दिखी है आपको, यानी कि 2,16,000 का 115%, ये 2017 में उसकी वार्षिक इनकम रही तब्बू की। अब इसी इनकम का वो 30% किराया में दे देता है। 30% का मतलब 3/10 भाग किराए में दे देता है। तो केवल आपको इसी को कैलकुलेट करके ये बता देना है कि कितना भाग उसने किराए के रूप में दिया। कोई कठिन काम नहीं है। 1, 2, 3 जीरो देखिए ये खत्म हो गए, गुणा करना रह जाएगा। कर पाएंगे? बोले सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा फिर करके बताइए क्या क्या गुणा करना है। बोले सर 216 × 115 × 3, ठीक, इसका गुणा करना है। तो करिए गुणा और बताइए उत्तर क्या आएगा, जल्दी से देख के बताइए फटाक से। ना आए तो भी बताइएगा, तो भी हम बताएंगे। चलिए देखिए हम बताते हैं। 115 × 3, 345 × 216। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इकाई का अंक तो जीरो होगा, और यदि इकाई का अंक जीरो होगा तो यह बात कंफर्म है कि सब में जीरो है। अब अगर यहीं पर आप नजर डालो तो आपको दाही का अंक दिख रहा है ना, कि ये 9 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर दाही का अंक भी निकालना आता होता, वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हो, तो आप डायरेक्ट फटाक से कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। बोले सर दाही का अंक यहां पर क्या आ जाएगा? बोले सर दाही का अंक अगर निकालना है तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि इकाई में जीरो आएगा और दाही का अंक इसका 2 आएगा। कॉन्सेप्ट पर चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे, फिलहाल आप पूरा गुणा करना, ठीक है। और एक तरीका भी हम और बताते हैं, 2 आ जाएगा तो एक बात कंफर्म हो गई कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज की अगर हम चर्चा और करें तो उस पर हम ये चर्चा कर सकते हैं। देखिएगा जरा सुनिएगा, हमें ये दिख रहा था कि हमें 216 × 115 × 3 करना है, यानी संख्या में 3 का गुणा है, और जब 3 का गुणा है तो सैनिक की संख्या 3 का गुणज होगी, और 3 का गुणज होने का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे या 3 ही हो। 7, 3, 10, 9, 8, 17, ये 3 से नहीं कटता है। 9, 8, 17, 8, 6, 14 3 से नहीं कटता है। 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12 ये 3 से कट जा रहा था, ये 3 से कट जा रहा था। तो गुणा तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन गुणा करके भी आप ये बता सकते थे कि 2 ऑप्शन सर तो इसमें ऐसे ही गलत हो जाएंगे। अब सही के लिए आपको जो टेंथ प्लेस का यानी दाही अंक निकालने का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप दाही अंक निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। तो उससे आपकी कैलकुलेट, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी इस पर्टिकुलर सवाल में, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उस पर हम एक वीडियो बना देंगे ताकि आप वो भी सीख जाओ। और बाकी जो बैच शुरू होगा उसमें तो मैं पढ़ाने ही वाला हूं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए। कहता है एक मशीनरी अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती। कितने परसेंट वार्षिक दर से? गौर करिएगा भैया सभी लोग कि 10% वार्षिक दर से कमी आती, 10% वार्षिक की कमी आती है। 3 वर्ष बाद इसका मूल्य ये था, 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य ये था। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर किसी चीज में 10% की कमी आती है तो इसका मतलब क्या है, पहले इस बात को समझिएगा। 10% का मतलब होता है 1/10 भाग। कौन सा भाग? 1/10। अर्थात जो चीज शुरुआत में 10 की थी उसमें 1 की कमी होने के बाद वो 9 की हो गई। यानी कि खरीदी होगी आपने 10 में, और क्योंकि कमी हुई है इसलिए बेची होगी आपने 9 की, राइट? बिल्कुल सही है। और ऐसा कितने वर्षों तक हुआ है? बोले सर ऐसा 3 वर्षों तक हुआ है। तो जब 3 वर्षों तक हुआ है तो इसका मतलब 10 से चीज फिर से 9 की रही होगी और 10 से चीज फिर से 9 की रही होगी। अगर आप सीपी को कैलकुलेट करें, क्रय मूल्य को कैलकुलेट करें, तो इसका अनुपात 10 × 10 × 10 यानी 1000 होगा।
और अगर विक्रय मूल्य को कैलकुलेट करें तो इसका अनुपात 9 × 9 × 9 यानी कि 729 होगा। तो कहने का दोस्त मतलब यह है कि जो चीज आपने 3 वर्ष पहले, समझना, 3 वर्ष पहले आपने 1000 की खरीदी थी, अब वो 729 की हो गई है, और सवाल के हिसाब से अब का रेट उसका कितना है, बोले सर 87,480। तो आप ये कह सकते हो कि 729 का जो मान है वो किसके बराबर है, बोले सर 87,480 के बराबर है। तो बोले भैया कितने बार कटेगा, बोला कितने बार कटेगा, अच्छा एक तो ये हो गया, एक हो गया और 9 और 8 है, तो ये लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 12 बार, 12 × 9 = 108, यानी कि 729 में अगर हम 12 का गुणा करें तो हमें इतना मिल जाएगा। तो 729 से ये कट गया 12 बार में, और 0 पहले से लगा था तो 1 का मान आ गया 120, और यदि 1 का मान 120 आ गया तो जो आपसे पूछा था कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो क्रय मूल्य किस अनुपात में था, बोले सर 1000। तो 120 × 1000 यानी 10 पहले से था, 30 और चिपक जाएंगे, तो 30 आप और भी चिपका दीजिए, तो मूल्य कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। बोलिए स्पष्ट रूप से, स्पष्टता से समझ में आया या नहीं आया। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड। और ये बहुत प्यारा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है। अगले सवाल की ओर रुझान हो चुका है, देखिए प्यार से मोहब्बत से करते हैं। एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, जिनमें 40, 50 और 60 छात्र दाखिल हैं। तो एक क्लास में 40 छात्र हैं, दूसरी क्लास में 50 छात्र हैं और तीसरी क्लास में 60 छात्र हैं, राइट, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं, बोले सर 60, 50 + 40, यानी कि अगर विद्यालय में बच्चों की गणना की जाए तो बच्चे हैं 150 कुल बच्चे, ठीक है। इन कक्षाओं के पास होने का जो प्रतिशत है वो 10, 20 और 35 है, समझना। यानी पहली क्लास में सिर्फ 10% बच्चे पास हुए हैं, दूसरी क्लास में सिर्फ 20% बच्चे पास हुए हैं, और तीसरी क्लास में कुल जो है 35% बच्चे पास हुए हैं। तो भैया क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ ये रहा है कि स्कूल का पास प्रतिशत क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने स्कूल का पास प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकलेगा, सुनो, जो प्रत्येक क्लास का पास होने का प्रतिशत है उसमें शुरुआत 10% से हुई और खत्म हुआ है 35% पर। तो पूरे स्कूल के पास होने का जो प्रतिशत है ना वो 10 से 35 के बीच में होगा, पहला जवाब। अब चेक करो 10 से 35 के बीच में कौन कौन से ऑप्शन है, आप कहोगे सर सभी है। दूसरा जवाब क्या होगा, वो 20% के पास में होगा, क्योंकि ये एवरेज अगर लेके देखे हो तो इसके पास में आएगा, ठीक है, 20% के पास में होगा। अब चेक करते हैं कैसे, अगर इसका 10% निकाले तो इसका 10% 4 बच्चे पहली क्लास में पास हुए, इसका 20% निकालते हैं 1/5 तो 10 बच्चे दूसरी क्लास में पास हुए, और इसका 35% निकालते हैं तो 6 × 3 = 18, 18 और 3 = 21 बच्चे जो है वो तीसरी क्लास में पास हुए। तो टोटल कितने बच्चे पास हुए, बोले सर 35 बच्चे पास हुए, कितने में से, बोले सर 150 में से, क्यों, क्योंकि पूरे स्कूल में बच्चे तो 150 थे, परसेंट निकालना है, 50 × 100, 50 × 3 = 150, 70/3, और 70/3 का मतलब क्या होता है, 23 सही, 23 whole 1/3% बच्चे इस पूरे विद्यालय में पास हुए। तो इस सवाल को आप इतनी कैलकुलेशन के बगैर भी कर सकते थे, मैं आपको बेसिकली ये बात इस सवाल में सिखाना चाह रहा था, कैसे पूरे स्कूल का जो प्रतिशत रहेगा पास होने का वो 10 से 35 के बीच में आएगा, और किसके ज्यादा करीब होगा, बोले सर जो बीच में वाली संख्या ना इसके ज्यादा करीब होगा, ठीक है। ठीक है, और पूरा करके भी दिखा दिया। तो अगला सवाल देखो, चलिए पढ़िए, ये वही गलत वजन यूज करने वाला हो गया, और गलत वजन यूज करने के साथ साथ ये भी कहना कि मैं हानि पर बेच लेता हूं, मैं प्रॉफिट पर बेचता हूं, जो दुकानदार बेईमान वाले नहीं होते हैं उसी में ये इस प्रकार का एक सवाल बनता है, ठीक है। तो देखिए,
एक फल बेचने वाला अंगूर 23% की हानि पर बेच देता है, बहुत बढ़िया काम है, और ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30% कम है। सुनना, मैं ये बोलता हूं कि जो वजन की एक्चुअल माप है वो 1 किलोग्राम की है, मतलब 1000 ग्राम की है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये इसमें जोड़ देता हूं कि 1000 ग्राम जो चीज है ना वो 1000 रुपए की ही है, 1000 रुपए की है। इससे क्या होगा सर, इससे सवाल में सरलता आ जाएगी, प्लस दूसरी चीज गलती की संभावनाएं 95% तक कम हो जाएंगे, 90 से 95%। बोले अच्छा सर, हमने क्या और क्या, देखो अब आप पहली बात सुनो, कह रहा है कि अगर 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की ही आपने सपोज कर लिया, मान लिया, और अंगूर 23% की हानि पर बेचो तुम, तो जो चीज आपने 1000 रुपए की खरीदी थी, अगर मैं ये कह देता कि इस पर 23% की हानि हो रही है, तो इसका 23% तो 230 होगा, तो यानी चीज जो है अंगूर जो है अब आप 770 रुपए का बेच रहे होगे। बोलो ठीक है, और 770 जो है ना वो 1 ग्राम क्योंकि 1 रुपए के बराबर था, तो आप ये कह सकते हो 770 रुपए जो है वो 770 ग्राम के बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना। बोले ठीक है सर, आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन सही बाट से 30% कम है, मतलब एक तो वो ये कह रहा था कि हम यार हानि पे बेच लेते हैं और उसमें हमें फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान अलग हो जाता, लेकिन वो ये नहीं बताता था कि उसने अपने वजन जो उसका बाट था जो वेट था वो सही से 30% डाउटफुल था, त्रुटिपूर्ण था, ठीक। तो इसने 1000 ग्राम के वेट के जगह उसमें 30% का झोल किया, और 30% का झोल मतलब उसने 700 ग्राम के बाट का उपयोग किया होगा, है ना। तो आप यह भी कह सकते हो कि 700 ग्राम चीज 700 रुपए की है, तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देने लगा। बोले सर हमको यह दिख रहा है अब अगर देखें कि 700 रुपए की चीज को 770 रुपए में बेच दिया जा रहा है, यही तो हुआ, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बोले हुआ सर। मैंने कहा कितने का। बोले सर 70 का फायदा होने लगा। कहा उसने नुकसान पर, लेकिन गलत बाट का उपयोग किया तो फायदा भी हो गया, तो 70 का उसको फायदा हुआ है 700 पर, कितने परसेंट है भैया ये, यही तो बताना था। तो आप कहोगे सर ये तो 10% का फायदा होने लगा, जबकि वो तो कह रहा था कि हम नुकसान में बेच रहे हैं, यानी समझ लीजिए दुकानदार कितना बेईमान था। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा। बोले सर लाभ का प्रतिशत 10% हो जाएगा। समझे लोगों कितनी सरलता से बात आपको मैंने समझा दी, और आपको समझ में भी आई होगी आई एम श्योर, है ना। तो अगर आई है तो जल्दी से एक बार कमेंट टाइप करना, झपा झप झपा झप झपा झप। बेटा जब परीक्षा देने जाओगे, जितने भी लोगों की इस वक्त परीक्षा चल रही है और जितने भी आने वाले लोगों की परीक्षा होगी, जिन एग्जाम्स को मैंने टारगेट करके ये बात कही है, विश्वास मानो मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग करो। भाई बहुत सरल है, तो 40 के वर्ग यानी कि 1600, ये तो ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते इस बात को कि ना लिखे 40 का वर्ग यानी कि 1600 का 40% अर्थात 2/5 भाग, और उसका भी 1/4 भाग, ये कितने के बराबर है। समझो 4 × 5 = 20 के जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, अभी 2 है, 2 से ये कटेगा 80 बारी, और 80 दूनी कितना, ये काम खत्म हो गया, 80 दूनी कितना हो गया। बोले सर 80 दूनी 160। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो कि आपको फ्री फंड के नंबर दे के जाएंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट चलिए भाई। हाँ ये सवाल बहुत प्यारा है, ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर को बहुत, एग्जामिनर को बहुत प्यारे होते हैं ऐसे सवाल, और निश्चित तौर पर पूछता ही पूछता है। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य कितने रुपए है, 50 रुपए है, बी को 20% के लाभ पर बेची। समझिएगा, ए से वस्तु गई किधर की ओर, बी की ओर, और लाभ हुआ 50% नहीं 20% का लाभ हुआ। तो 20% का मतलब जो चीज ए के पास 5 की थी वो बी के पास पहुंचकर 6 की हो गई होगी, इतनी बात ठीक है ना।
बी के पास चीज कितने की थी, बोले सर ए के पास चीज कितने की थी, बोले सर ए के पास चीज का कीमत 50 रुपए थी। तो 5 का मान 50 यानी कि 10 गुना, तो 6 का मान इसका 10 गुना यानी कि 60। ठीक है, आगे बढ़े। बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर सी को बेची। अब ध्यान से सुनना, अब सीन बदल रहा है। अब बी से चीज पहुंची सी के पास और लाभ हुआ 25%, यानी 4 से 5 की चीज। तो अब बी के पास जो चीज 4 की थी वो सी के पास पहुंचेगी तो 5 की हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 4 का मान कितना दिख रहा है, बोले सर 60 रुपए, 15 गुना इसका। तो यहां इसका 15 गुना हो जाएगा, बी का 15 गुना यानी 15 बना 75। तो सी के पास चीज कितने की आ गई, बोले सर 75 रुपए की। करेक्ट, फिर सी से ये चीज पहुंची डी के पास और लाभ हुआ 40% का। 40% का मतलब 2/5, अर्थात जो चीज 5 की है वो जब डी के पास पहुंचेगी तो 5 और 2 7 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, बोले सर 7 की। 5 का मान 75 है, कितने गुना है, बोले सर 15 गुना। तो यार इसका 15 गुना करोगे तो 15 × 7 = 105। तो डी के पास जब वो चीज पहुंची तो कितने की हो चुकी थी, बोले सर 105 रुपए की। तो यही तो पूछ रहा था, डी ने वो जो मूल्य दिया वो कितना दिया है, बोले सर 105 रुपए। इस सवाल को आप दूसरी तरीके से कर सकते थे। अब देखो जरा दूसरा तरीका क्या है, ये था रेशियो का तरीका जिसे हम बराबर करते हुए चले। अब देखिएगा सक्सेशन मेथड, पहला 5 से 6 20% का लाभ था, 5 से चीज हो गई 6 की। दूसरी बार 25% का लाभ, 4 से हो गई 5 की। और तीसरी बार जो लाभ है वो कितने का है, बोले सर तीसरी बार जो लाभ है वो है 40% का, यानी 5 से 7 हो गई। 5 से 1 5 कट गया, 2 से 3 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया। तो इधर अगर देखोगे तो कितना बनेगा, इधर देखोगे तो 5 × 2 = 10 बनेगा और इधर देखोगे तो 7 × 3 = 21 बनेगा। 10 का मान आपके पास 50 रुपए दिया था, शुरुआत वाले का मान 50 दिया था और आखिरी यानी 21 का मान पूछ रहा था। तो ये इसका 5 गुना है कि नहीं है, बोले है सर। तो इसका भी 5 गुना करके यहां लिखोगे तो 105 आ जाएगा। यही आपसे, तो ये हो गया लगभग वो सारे के सारे अच्छे सवाल जो मैंने आपको कराने थे, सब के सब सारे सारे सवाल हो गए। यानी कि प्रतिशत में लगभग मैंने आपको कितने सवाल करा दिए, 35 सवाल के और ज्यादा कराए, 35 ही कराए ना, 35 सवाल मैंने आपको कराए परसेंटेज में। परसेंटेज में मैंने आपको 35 सवालों का एक पूरा वीडियो दिया है जिसमें लगभग लगभग पूरा कंप्लीट परसेंट है, कंप्लीट परसेंट चैप्टर है। और विश्वास करिए, कंप्लीट परसेंट चैप्टर है, विश्वास करिए कि जब आप पेपर दे रहे होंगे कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होगा। मैं ये भी लिख दे रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होगा। मैं आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होगा। और अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेंगे, ये पूरी क्लास आप पूरा अच्छे से देख लेंगे, तो विश्वास मान के चलिएगा प्रतिशत में आपको होने वाली समस्याओं से तकरीबन 80% से ज्यादा आपका निदान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% हो जाएगा, क्योंकि झूठ बोलने वाली आदत नहीं है अपनी, 80% आपका निदान हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट का मैंने इसमें डिस्कशन किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसी ही क्लासेस चाहते हैं आप और भी चैप्टर्स की, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ताकि एक मोटिवेशन मिले, एक एनर्जी मिले आप लोगों की बातों से, और भी क्लासेस ऐसी ही मैं आपको दे पाऊँ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।